Hey guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to my channel. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जल्दी से जाओ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो. बाकी हाँ गाइस, आज की वीडियो का लाइक है 17,000 का ही है. एंड कमेंट आप लोग अच्छे अच्छे कर ही देते हो भाई, वैसे भी बहुत प्यारे प्यारे मस्त मस्त कमेंट करते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता रहता हूँ. और गाइस, अपनी वीडियो पर डले हुए एक दिन हुआ और भाई साहब एक दिन में आप लोगों ने 15,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दिए. भाई ऐसे ही प्यार देते रहा करो, वीडियोस की टेंशन मतलब वीडियोस आने वाली है. अपन और भी गेम प्ले ट्राई करेंगे. और मेरे को, मैंने जब लाइव स्ट्रीम करी थी ना, काफी लोग बोल रहे थे भाई गैस स्टेशन ना हमने पहले से देख रखा है, तो आप गैस स्टेशन का मत बनाओ, आप कोई और गेम देखो. अब गाइस हम क्या करने वाले, गैस स्टेशन को खत्म तो करना पड़ेगा, शुरू किया तो भाई खत्म करेंगे हम, ठीक है. तो अभी मैं एक एक घंटे के या 40-40 मिनट के उसके 2-3 एपिसोड में उसको खत्म करूंगा. देन उसके बाद हम लाएंगे BMNG के खतरनाक खतरनाक कार क्रैशिंग के एपिसोड्स. बाकी हाँ गाइस, बाकी यही बताना था आप लोगों को. और बाकी लाइक कर दो फटाफट से और शेयर किया करो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ ना, शेयर किया करो ताकि और भी भाई मतलब जो लाइक है मैं जल्दी कंप्लीट हो. शेयर करने से भाई आप लोगों का प्यार बढ़ता है यार, मतलब समझ लिया करो ना भाई, शेयर कर दिया करो. तो बाकी गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, काफी टाइम से ना फ्रैंकलिन जो है इसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था. उसके बाद आप लोगों को पता है भाई, कोर्ट में इसका वीडियो भी चलवाया था, किसी बंदे ने इसका वीडियो भी भाई शूट करके कोर्ट में इसके खिलाफ यूज किया था. आप लोगों को पता ही होगा उस वीडियो में इसने साफ साफ अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था. देन उसके बाद भाई इसको लाइफ टाइम की जेल हो गई थी. एंड गाइस हम गए, फिर हमने भाई लास्ट एपिसोड में इसको जेल से छुड़वाया. भाई पहले हमने जेल से छुड़वाया, उसके बाद इतनी गंदी अपने पीछे पुलिस लगी, पुलिस FIB एंड यहाँ तक कि मिलिट्री भी अपने पीछे लग गई. उसको बचाते बचाते गाइस हम कैसे भी करते करते बहुत दूर तक चले गए. उसके बाद हमने इसको बचा लिया. बचाते ही जब सुबह देखा भाई, सुबह भी पुलिस वाले राउंड निकाल रहे थे. एंड उसके बाद ना मैं पीछे भाई एक जंकी यार था, कबाड़ खाना, मैं वहां से ना भाई ये कबाड़ कार ले आया भाई, बट ये है कबाड़ कार, बट गाइस ये भागती बहुत ज्यादा मस्त. एंड भाई क्या ही बताऊं, लास्ट टाइम इसी ने हमको पुलिस से बचाया था. उसके बाद ना गाइस मैं इस गाड़ी को लेके अभी यहाँ पे आ चुका हूँ. अभी कोई अपने पीछे पुलिस नहीं है, अभी बस हम वेट कर रहे हैं. अभी सुबह के भाई 7 ही बजे और मेरे पास भाई फोन भी नहीं है. अभी इतनी मुश्किल, इतना प्रॉब्लम आ चुकी है ना. एक तो भाई अपना, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स गिनाता हूँ अभी अपने ऊपर प्रॉब्लम्स क्या है. देखो जब लास्ट टाइम भाई हम जैसे हमने प्लान बनाया था कि हम फ्रैंकलिन को छुड़वाने के लिए अपने ऊपर कोई गलत केस लेके जाएंगे ताकि पुलिस वाले हमको प्रिजन में छोड़ के आए, उसी झड़प में अपने वेपन्स तो गए ही गए, बट अपने वेपन्स तो गई गए भाई, बट अपने पास जो फ़ोन था ना वो भी पुलिस वालों के हाथ लग चुका है. अब मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं है ना कुछ. भाई मैं जैसे लेस्टर को कांटेक्ट करके ये बोलूँ कि भाई वो फ़ोन का सारा डेटा क्लियर कर दे, नहीं तो उस फ़ोन में भाई बहुत कुछ था. अपने अगर पुलिस वालों ने FIB को अपना फ़ोन दे दिया ना, तो समझो भाई शुरू से लेके आज तक जितने भी हमने उल्टे सीधे काम किए ना भाई, सारे फंसेंगे हम, भाई जेल में जाएंगे और परमानेंट भाई पता नहीं कैसी जेल में हमें छोड़ेंगे. चलो वो काम तो हमें करना ही करना है. एंड उसके बाद अभी और एक प्रॉब्लम सुन लो. और गाइस काफी लोगों ने मुझे याद करवाया, माफिया ने मुझे $100 million दिए थे जो ट्रक में भर के कैश दिया था. भाई काफी लोगों ने मुझे बोला कि वो ट्रक ही नहीं है तुम्हारे घर पे. मैं 2-3 बार अपने घर पे गया, मैंने भी ट्रक भाई नोटिस नहीं करा. अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है वो ट्रक कहाँ चला गया. और अभी मैं गाइस वेट इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी एक बार ना ये बार्बर शॉप खुल जाए. अभी सुबह के 7 बजे हैं, एक बार बार्बर शॉप खुल गई ना हम दोनों भाई अपना हुलिया चेंज करवा लेंगे ताकि पुलिस से बच के रहे, क्योंकि हमने भाई जेल तोड़ के जेल बाहर निकले हैं और क्या पता भाई पुलिस हर जगह पे अपने को ढूंढ रही हो. बस मुझे यही डर है भाई, हर जगह पे मैं देखता देखता ही जा रहा हूँ कि भाई पुलिस है या नहीं. अब ये कबाड़ को भी चेंज करना है, बट ये कबाड़ अपने लिए लकी बहुत है भाई, लास्ट टाइम इसने क्या ही साथ दिया. और गाइस ये कबाड़ भागता बहुत मस्त है यार, अभी दिखाता हूँ. ये हाईवे है ना भाई, हाईवे में आप लोग को चेक करवाता हूँ, एक सेकंड रुको. इसका ना स्पीडोमीटर ऑन करते हैं. कबाड़ कितना मस्त भागता है भाई, मतलब ये कबाड़ भाई साफ साफ लिम्बोर्गिनी वगैरह गाड़ियों को ना भाई टक्कर दे रहा है. देखो भाई क्या ही भाग रहा है, देख रहे हो भाई 230 तक इसने टच कर दिया. वेट भाई टक्कर लगी बहुत गंदी, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम तो भाई इसका खत्म है भाई, ब्रेक ब्रेक नहीं लगती. वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको भगाया, नहीं तो मैं इसको भगाता नहीं हूँ. चलो ठीक है गाइस, अभी इस कबाड़ को क्या ही बोलना है, तो भाई एट द एंड ये कबाड़ ही है. बाकी चलो ठीक है, अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से ना भाई को गाड़ी चेंज करते, नहीं तो बार्बर शॉप वाले बोलेंगे भाई कहाँ से भिखारी आ गए उठ के सुबह सुबह. चलो ठीक है, अभी पहले फटाफट से ना कोई मस्त सी ना गाड़ी देखते हैं पहले. तो ये ना 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 ना, ये अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है भाई. अपनी पर्सनैलिटी को जो सूट करेगी ना वो गाड़ी लेंगे भाई. भाई एक सेकंड, ये भी अच्छी नहीं है, ये भी अच्छी नहीं है. वेट भाई देख रहे हो कितनी मस्त भागती है भाई, सच्ची में इसको भगाने में ना हंसी बड़ी आती है भाई. कुछ भी इसका ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है, बट फिर भी भाई इसको हम चलाते फिर रहे हैं. एक सेकंड, ये गाड़ी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी भाई. चलो गाड़ी छोड़ दे फटाफट से बेटे, गाड़ी छोड़, निकल तेरी पैस की टांग, गाड़ी छोड़ तेरी ऐसी की जैसी. चल भाई, भाई क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, बैठ बैठ गाड़ी पे बैठ.
बिना मतलब के पुलिस का झगड़ा लगवा देगा। चलो ठीक है, अभी ठीक है भाई, मस्त वाली गाड़ी मिल गई, इस गाड़ी को भगा के फटाफट से निकलते हैं बार्बर शॉप पे। एंड उसके बाद भाई अपने हुलिया चेंज करवाते हैं। मैं तो भाई पूरा गंजा होने वाला हूँ। गंजा होने के बाद ना अपना माइकल जो है पहचान में नहीं आता, और फ्रैंकलिन तो भाई वैसे ही जो सिंपल पहले था ना उसको वैसे ही बनाएंगे, पूरे बाल बाल कटिंग करवाएंगे एंड इसकी बियर्ड वियर्ड सब उड़वा देंगे। क्या ही इतना बड़ा, इसने कितने बड़े बड़े बाल उगवा रखे हैं भाई एंड कितनी बड़ी दाढ़ी उगा रखी है। चलो ठीक है गाइस, अभी तो की बात नहीं करते, ओए भाई पागल कहीं का बीच में टक्कर हो जाती। चलो गाइस ठीक है, अभी इधर की बात नहीं करते, फटाफट से निकलते हैं बार्बर शॉप के लिए। ओके गाइस, यार मैं ना भाई अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ बार्बर शॉप पे। सबसे पहले ना गाइस हमें बार्बर का काम करवाना है, अपने बाल बाल कटवाने हैं और सब कुछ करवाना है। देन उसके बाद ना भाई पुलिस हमें तंग भी नहीं करेगी और बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बार्बर शॉप थी और सुबह भाई मतलब सुबह के 7:30 ही बजे हैं यार अभी। एक सेकंड, यहाँ पे कहाँ पे थी बार्बर शॉप? ओके गाइस, वो रही बार्बर शॉप। चलो गाइस मस्त तरीके से ना यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी और सीधा चलते हैं बार्बर के पास। अभी ना फ्रैंकलिन बोल रहा है मैं बीच में बैठता हूँ, भाई यहाँ पे ना एक पुलिस स्टेशन बहुत करीब है, और भाई फ्रैंकलिन ना वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है जैसे वो भागा था वहां से प्रिजन से। चलो ठीक है गाइस चलते हैं सीधा अंदर। अबे यार ये तो लॉक पड़ी है। एक सेकंड, इसने यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है भाई। ओके 8 बजे दुकान खोलेगा ये बंदा एंड अभी 7:30 हुए हैं, पैंस की टांग। अभी आधा घंटा भाई गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं या फिर क्या करें देखते हैं भाई। चलो ठीक है, इसके गाड़ी ना इसके भाई दुकान के बाहर ही लगा के खड़े होते हैं। बंदे ने पूरी टाइमिंग लिख रखी है भाई, देख रहे हो। चलो ठीक है भाई, अभी वेट करते हैं कब 8 बजते हैं फिर करते हैं। यार गाइस 8:05 हो चुके हैं, अभी ये बार बार आया नहीं और इसने दुकान पे 8 बजे का टाइम लगा रखा है। भाई क्या करें यार, जब तक ये आता नहीं है तब तक भाई हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक सेकेंड, ये कौन पागल आ रहा है? चलो गाइस ठीक है, ये बार्बर ही और बाकी चला गया अंदर। आ जा भाई फ्रैंकलिन, जल्दी से आ जा भाई, बाल बाल कटवाते हैं और मस्त तरीके से बनते हैं। चलो भाई बैठते हैं बार्बर शॉप, मतलब बैठते हैं भाई बाल बाल कटवाने। अबे आ जा फ्रैंकलिन। ओके गाइस, यार फ्रैंकलिन तो बैठ चुका है, अभी मैं भी भाई बैठता हूँ जल्दी से। चलो गाइस ठीक है, हम दोनों बैठ चुके हैं। भैया बार्बर भैया मेरे तो भाई पूरे मतलब मेरे को तो भाई पूरा गंजा कर देना ऊपर से, एंड फ्रैंकलिन के दाढ़ी पूरी गंजी कर देना एंड बाल इसके भाई बिल्कुल छोटे छोटे कर देना। चलो गाइस ठीक है, अभी पहले वो कह रहा है मैं फ्रैंकलिन का करता हूँ। चलो ठीक है भाई, जल्दी जल्दी ये सब कंप्लीट करवाते हैं यार। ओके गाइस, फ्रैंकलिन और मैं भाई दोनों बिल्कुल भाई अभी बिल्कुल वो हो चुके हैं भाई। मैं कितना अजीब लग रहा हूँ ना, पर कोई बात नहीं यार गाइस, थोड़े दिनों के लिए करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन इधर आइयो भाई, पूरा चोमू लग रहा है भाई, देख रहे हो। मतलब पहले भाई थोड़ा मतलब लग रहा था, थोड़ा मतलब एक वट पड़ता है ना जैसे बंदे का, वो लग रहा था, अब तो पूरा चोमू लग रहा है भाई ये बंदा। चलो ठीक है, बार बार भैया को फ्रैंकलिन ने पैसे दे दिए। चलो गाइस ठीक है, अभी चलते हैं भाई। चलो अभी ना फ्रैंकलिन को छोड़ के आते हैं घर पे एंड उसके बाद ना भाई अपने जो भी काम है वो हमें कंप्लीट करने हैं भाई। बस एक चीज देखने वाली है भाई, ये बार्बर जो है ना, ये जो मर्जी कह लो, बंदे ने ना भाई हायाबुसा को क्या ही वो करवा रखा है मॉडिफिकेशन। देख रहे भाई टायर पीछे होता है और इस बंदे ने मॉडिफाई करवा के टायर देख रहे भाई किस कैसे पीछे कर रखा है। अब तो यार मुझे भी अपने लिए बाइक लेनी है यार। आप लोग गाइस कमेंट करके बताओ अपने लिए कौन सी बाइक ले, अगर ज्यादा कमेंट किस बाइक पे आते हैं ना हम उसी बाइक को लेने के लिए चलेंगे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े शोरूम पे। बाकी चलो ठीक है, अभी इधर की बातें नहीं करते, फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन को उसके घर पे छोड़ के आते हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है ना कि हमारा $100 million वाला ट्रक कहाँ चला गया भाई, वो देखना है थोड़ा सा, उसकी मुझे ज्यादा ही टेंशन हो रही है। चलो गाइस निकलते हैं सीधा घर के लिए। ऑल राइट गाइस, यार हम जो है ना भाई अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंचने वाले हैं फ्रैंकलिन के घर पे। और भाई साहब इसको घर पे उतारते हैं और भाई कितने टाइम से ना ये फ्रैंकलिन का घर भी बंद पड़ा था और आज भाई इसका बेचारे का घर खुलेगा। बाकी देखते हैं भाई, एक सेकेंड फ्रैंकलिन भाई, इधर पुलिस खड़ी है। बट एक सेकेंड भाई फ्रैंकलिन, तू ना 2 मिनट यहीं पे रुक, रुक जा भाई, तेरे को रिस्क नहीं लेना क्योंकि भाई देख तेरे को सबसे ज्यादा ढूंढ रहे हैं। मैं तो भाई फिर भी अपनी शक्ल वगैरह चेंज करके घूम रहा हूँ और मैं इतना बड़ा मुजरिम नहीं हूँ, तू ज्यादा बड़ा मुजरिम है, रुक जा। चलो गाइस ठीक है, फ्रैंकलिन बैठा अभी गाड़ी के अंदर, फ्रैंकलिन चुपचाप अपना गाड़ी के अंदर बैठ। मैंने ना भाई यहाँ पे गाड़ी छुपा दी। बाकी चलो ठीक है, अभी ना एक काम करते हैं, मैं ना पूरा ध्यान से ढंग से देख के आने वाला हूँ आखिरकार वहाँ पे सीन क्या चल रहा है। एक काम करता हूँ, ये घर के ऊपर एक बार चढ़ना है मुझे भाई, कैसे भी करके रुको भाई। यार कहाँ से चढ़ूँ भाई, यहाँ से तो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। वेट, एक सेकंड, इधर चढ़ पाऊंगा? नहीं बे भैंस की, कितनी जोर से मुंह बजा भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड कोशिश करता हूँ भाई यहाँ से पहले इस घास के ऊपर चढ़ के ना। अबे यार क्या हो क्या रहा है भाई मेरे साथ आज, मतलब मैं 2 दिन जेल क्या रह क्या भाई, सब कुछ ही भूल गया हूँ मैं क्या। रुको यार कहीं ना कहीं से चढ़ने की कोशिश करता हूँ पहले मैं। रुक, बहुत करीब पहुँच गया हूँ भाई, रुको। एक काम करते हैं पीछे की साइड से चलते हैं, क्या ही टेंशन लेना भाई, पीछे की साइड से चलते हैं और सब कुछ देख के आते हैं भाई आखिरकार इसका इनका सीन क्या चल रहा है पुलिस वालों का। चलो गाइस ठीक है, अभी मैं आ चुका हूँ पीछे के, एक सेकंड, फ्रैंकलिन के घर पे पुलिस। वेट भाई, यहाँ पे तो सीन गलत ही हो रखा है। अबे यार कुछ सीन करके मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या यार,
एक सेकंड, कुछ ना कुछ करके मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई। एक बार तुम इसके ऊपर चढ़ गया ना, उसके बाद तो मैं सब देख लूंगा यार ध्यान से। गाइज एक सेकंड यार, कोई रास्ता नहीं है भाई, कहीं भी ऊपर चढ़ के मैं देख नहीं सकता। बट अभी फ्रैंकलिन भाई साहब यहाँ पे सेफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भाई हर जगह पे पुलिस खड़ी है एंड उनको पता है कि भाई फ्रैंकलिन आएगा तो एट द एंड यहीं पे आएगा, अगर छुटके भागा भी है तो। भाई कल रात से पुलिस अपने पीछे लगी पड़ी है, अपने को ढूंढने में लगी पड़ी है। बट उनको भी पता है भाई अगर फ्रैंकलिन आएगा तो यहीं पे आएगा, तो मुझे अभी इसको यहाँ पे रखना नहीं है। अब एक काम करता, अपना जो दूसरा मेंशन है ना उस पे वहाँ पे उसको रखता हूँ। वेट वेट, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ एक बार ना, मैं पहले यहाँ पे पूरा नज़ारा देख लूँ, एक्सप्लोर कर लूँ कि आखिरकार यहाँ पे सीन चल क्या रहा है। वेट 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 वेट, पूरा ढंग से जाना। एक सेकंड, एक काम करता हूँ थोड़ा सा ना भाई, रुको भाई, अगर इन्होंने मुझे पहचान ले दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं हो। बैस की टांग, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। ओ भाई, ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे तो काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं भाई, ये नहीं छोड़ने वाले फ्रैंकलिन को। भागो भाई यहाँ से, आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, कुछ नहीं सीन हुआ। एक काम करते हैं, फ्रैंकलिन को ना अपने भाई उधर दूसरा जो मेंशन है ना वहाँ पे रखते हैं, लेस्टर एंड ट्रेवर के साथ। लेस्टर भी भाई अपने घर पे रहता नहीं है, अभी वो इधर ही मेंशन पे रहता है, मतलब मैंने काफी टाइम से देखा भी नहीं है, अभी जाके पता चल जाएगा वो यहाँ पे रह रहा है कि नहीं। तो बाकी ट्रेवर तो भाई उसी मेंशन पे रह रहा है। चलो ठीक है गाइस, अभी ना इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से एक काम करते हैं, बस इधर का मैंने सारा कुछ देख लिया। बाकी अपनी गाड़ी मैंने कहाँ खड़ी करी थी? वेट 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 वेट, गाड़ी मैंने खड़ी करी थी, बिल्कुल ठीक है भाई, गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी करी थी। भाई फ्रैंकलिन तेरे घर पे तो भाई पुलिस ही आ रखी है, तो भाई तू सेफ नहीं है, तेरा घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब तू थोड़े दिन के लिए ना भाई अपने मेंशन पे रह, क्योंकि भाई देख पुलिस अभी आती जाती रहा करेगी तेरे घर पे, और कभी भी तू अगर पुलिस को घर पे मिल गया ना तो भाई वो तेरे को उठा लेगी। चाहे तूने जितना मर्जी अपना गेटअप चेंज कर लिया है, बट एट द एंड भाई वो घर तेरा है एंड पुलिस वहीं पे रहती है, मतलब पुलिस वहां पे, उनको पता है कि ये घर तेरा ही है, तो भाई पुलिस पहचान जाएगी। तो गाइस अभी हम रिस्क नहीं लेते, फटाफट से गाड़ी भगा के पहले निकलते सीधा मेंशन पे, और भाई ड्राइवर एंड फ्रैंकलिन दोनों अपना साथ में रहा करेंगे उसमें। चलो गाइस ठीक है, अभी उधर की बात नहीं करते, सीधा निकलते घर की तरफ। और मेरे पास तो अभी फोन भी नहीं है, मेरे को इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है ना, मैं क्या ही बोलूं। सीधा निकलते हैं अपने मेंशन की तरफ। ऑल राइट गाइज, यार हम ना भाई अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंचने वाले हैं मेंशन पे। और बाकी भाई अभी दिन पे बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, बाकी भाई फ्रैंकलिन होता तू इस घर पे पूरा सेफ रहेगा। और ये गाड़ी भी ना मैं इनको ही दे देता हूँ भाई, कोई भी आने जाने की अगर कोई दिक्कत होगी तो ये अपनी गाड़ी को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें गाड़ी की यार जरूरत भी नहीं, अपने घर पे बढ़िया बढ़िया कार्स भी तो खड़ी है। हाँ जा भाई फ्रैंकलिन, तेरे को जल्दी से ना मैं ड्राइवर से मिलवाता हूँ, एक सेकेंड, एंड लेस्टर से मिलवाता हूँ। बाकी यार घर तो पूरा खाली पड़ा है, एक सेकंड, ये ट्रेवर एंड लेस्टर कहाँ पे यार? रुको रुको रुको, एक काम करता हूँ भाई, इनको ना यहाँ पे ढूंढता हूँ। अबे यहाँ पे भी कोई नहीं है, एक सेकंड, ये बेडरूम में ना हो भाई, एक बार मैं बेडरूम चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, है यहाँ पे भी नहीं है। अबे यार अभी इनके ऊपर दिक्कत तो नहीं आ गई भाई कोई? रुक जा भाई, यहाँ पे भी नहीं है। वेट वेट वेट, एक काम करता हूँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ, शायद ऊपर हो सकता है भाई, दोनों ऊपर बैठे हो, देखते हैं भाई ऊपर ना हो। वेट वेट वेट, ऊपर छत पे देखना पड़ेगा। हाँ भाई ये छत पे आ चुका है। एक तो भाई इतने दिनों के बाद घर पे आया ना, सब कुछ ही भूला बैठा। ओके ये रहा भाई ड्राइवर, इससे बात करते हैं एंड लेस्टर का भी पूछते हैं। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना भाई इससे बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि भाई लेस्टर दो दिन पहले ही चला गया था, और बाकी इससे लेस्टर से बात भी होती रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेस्टर बिल्कुल सेफ है। बाकी भाई दोनों दोस्त अपना मिल चुके हैं, पैस की डांग भाई, देख रहे भाई क्या ही हग वग किया जा रहा है दोनों को, क्या ही मस्त लग रहे भाई दोनों। चलो ठीक है भाई, तुम कर लो यार अपना हग वग कर लो यार, कोई ना मेरे को भूल गए भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है भाई, फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर दोनों भाई यहाँ पे सुट्टा वुट्टा फूकने लग गए। बाकी चलो ठीक है, अभी घर पे चलते हैं और अपने कपड़े वपड़े चेंज भी करते हैं। बाकी ये दोनों अभी यहाँ पे सेफ है, इनकी भाई मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों अपना यहाँ पे रहेंगे और मैं भाई अपने घर पे चलता हूँ। मुझे जो $100 million की वो टेंशन है जो अपने सर पे घूम रही है वो देखनी है भाई, मुझे घर पे जाके बहुत टेंशन हो रही। सही में गाइस आप लोगों ने जब बताया ना भाई वो माफिया वाला ट्रक कहाँ चला गया, मैं भी भाई कब से सोच रहा हूँ भाई वो ट्रक कहाँ चला गया। बाकी चलो ठीक है, अभी हमने इनको गाड़ी दे दी है जहाँ पे आने जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये रख लेंगे अपने पास, अपना घर यहाँ से करीब ही है। तो एक काम करते हैं, ये वाली गाड़ी, अबे छोड़ तेरी पैस की टाक भाई, चलो ठीक है नैनो लेके चलते हैं भाई, आज नैनो चलाते हैं, मारी है इसकी जैसी, नैनो छोड़। चलो गाइस ठीक है यार, अभी दूसरे की बात नहीं करते, फटाफट से अपनी गाड़ी भगा के सीधा निकलते अपने घर पे, और भाई साहब उस $100 million के ट्रक को देख के आते पहले तो, निकलते सीधा घर की तरफ। ओके गाइस, फाइनली जो है ना दो दिन के बाद मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका हूँ, और मुझे भाई पूरी गालियां पड़ने वाली हैं अपने घर पे। चलो ठीक है भाई, सच्ची में नहीं है भाई वो ट्रक। वेट वेट वेट, मुझे ना गाइस पहले वो ट्रक ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कसम से बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। रुको रुको रुको, एक काम करते हैं भाई, इधर इधर इधर, वहां पे ये ट्रक कहां गया, पैस की टांग इसकी भाई, बात करता हूँ मैं अमेंडा से, रुको। ऑल राइट गाइस, ये तो भाव खा रही है, ये कह रही मेरे से बात ही मत कर, दो दो तीन दिन तू गायब ही रहता है। अबे तू यार
अबे अमेंडा मेरा सच्ची में दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन है, प्लीज जो चीज मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना आराम से बता दे, जो ट्रक खड़ा किया था वो कहाँ पे है? भाई ये कह रही है मेरे को कोई ट्रक वर्क का पता नहीं है। अबे ये कैसे हो सकता है यार, मजाक कर रहे हैं भाई मेरे घर वाले, उसमें $100 million है भाई, जो वो गाड़ी भी भाई बहनी ने रेडी कर दी होगी, मतलब गोल्ड की तो नहीं करी होगी बट वो गाड़ी ठीक ठाक कर दी होगी। अब मुझे नहीं पता भाई, एक तो अपने पास फोन नहीं है, पता नहीं भाई माफिया ने कितने फोन किए होंगे, क्या कुछ ही किया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी इस गैराज में अपनी गाड़ियां दोनों खड़ी हैं, बिल्कुल सेफ हैं, बट अभी मेरे को टेंशन हो रही है। और एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जाके पहले जूस पीता हूँ, थोड़ी सी भाई ताकत आए अपने अंदर, एंड उसके बाद ना मैं घर के CCTV कैमरे चेक करता हूँ। भाई रुको, पहले तो भाई जूस पीते हैं, जूस का गिलास पीने से मिलती है शक्ति एंड थोड़ी ताकत आएगी भाई। चलो ठीक है भाई, कपड़े वपड़े बाद में चेंज करेंगे, बहुत सब कुछ बाद में करते हैं, पहले जाके ना मैं जिमी के रूम में ना PC पड़ा या लैपटॉप उस पे ना सारे अपने घर के CCTV कैमरा कनेक्टेड है, तो एक काम करते हैं इसके रूम में चलते हैं, इसकी पैस की जंग सच्ची मन कर रहा है इसका सब कुछ तोड़ दूं, बट ठीक है भाई इसके PC में बैठते हैं एंड चेक करते हैं CCTV कैमरे को। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूं भाई CCTV के कैमरा की मैं फुटेज चेक कर रहा हूं, और अभी ये जो डेटा इस पे भाई अपना कोई भी ट्रक खड़ा नहीं है। मैं पीछे चलता हूँ भाई। ओके, ये 3 दिन पुरानी फुटेज चल रही है एंड यहाँ पे अपना वो ट्रक खड़ा जिसके अंदर $100 million है, बट एक सेकंड में इसके थोड़ा आगे चलता हूँ। ओके, ये मतलब उसके अगला दिन, मतलब गाइस देखो, मतलब तीसरे और दूसरे दिन के बीच बीच में ये ट्रक का कुछ ना कुछ सीन हुआ है भाई। अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा ना टाइम को पीछे करता हूँ। ओके गाइज, अभी मैं ये पूरा टाइम चेक कर रहा हूँ। ओके गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई, 4 से 5 बजे के बीच बीच में कुछ सीन हुआ है, अभी देख रहा हूँ मैं, 4 बजे का मैंने लगाई है रिकॉर्डिंग जब तक अपना ट्रक था। एक सेकंड, अब ये जिमी आया और ये गुस्से में क्यों है भाई, ये मुक्के मुक्के चला रहा है, और एक सेकंड क्या कर रहा है ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है देखने में, और ये ट्रक के, ओके अभी ये ट्रक के अंदर बैठा एंड ये ट्रक को कहाँ लेके जा रहा है? अबे ओ, इसके अंदर $100 million, ये कहाँ भाई, इसको कहीं पता तो नहीं चल गया कि इसके अंदर $100 million है? और इसने भाई साहब ये गेट ओपन किया एंड ये ट्रक को लेके चला गया। भाई भाई भाई, ये सब काम जिमी ने करा है, और आज ये जो मेरे हाथों पिटने वाला है ना, आज ये जिंदगी भर याद रखेगा। डंडा मैंने निकाल लिया है, अब ये इसको आने दो। ये गया कहाँ है पहले तो मैं अमेंडा, अबे अमेंडा का तो पता ही नहीं है, मैंने पहले ही पूछा था, वो तो कह रही थी है ही नहीं यहाँ पे। एक सेकंड, ये आएगा तो भाई घर पे, ये आ गया आ गया आ गया बेटे, बहुत सही टाइम पे आया है तू, पहले इधर आ, तेरी पैस की टांग, तेरी तेरी ऐसी की, खड़ा हो खड़ा हो भाई, ट्रक कहाँ है तेरी पैस की टांग, ट्रक कहाँ है, ट्रक बता भाई कहाँ है भाई, भाग कहाँ रहा है तेरी ऐसी की, ट्रक कहाँ है, तेरे को ज्यादा गुस्सा आता है बंदे ने ना भाई, बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा था एंड उस टाइम पे ट्रक लेके इसने पता नहीं कहाँ रख दिया भाई, ट्रक तो मेरे को पता ही नहीं है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, मेरा मन कर रहा है भाई मैं गोली वोली चला दूंगा। जिमी रुक जा, जिमी रुक जा, तेरे को बोल रहा हूँ रुक जा, समझा कर रुक जा भाई वो। अबे यार रुको गाइस, इसको ना रोकना पड़ेगा भाई, इसको प्यार से मनाना पड़ेगा, रुको रुको इसको ना प्यार से मनाना पड़ेगा। ओए ओए जिमी रुक जा, तेरे को बोल रहा हूँ भाई 2 मिनट के लिए रुक जा, दो मिनट के लिए रुक जा जिमी, मैं बोल रहा हूँ मेरे से प्यार से बात, मैं तेरे से प्यार से बात करूंगा ठीक है, मैंने डंडा अंदर रख लिया, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। चलो भाई, ये कह रहा है कि मम्मा ने, ये कह रहा है गाइस मॉम ने इसको पॉकेट मनी नहीं दी और इसको बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड थी पैसों की, तो यहाँ पे एक ट्रक खड़ा था, ये कह, ये बोल रहा है कि उसको ये बेच के आ गया। अबे वो पागल कहीं के, तेरे को नहीं पता वो सिंपल ट्रक नहीं था, उसके अंदर $100 million थे, जाके बेचा है पैस की टांग, किसको बेच के आया, मुझे लेके चल वहां पे, मुझे वहां पे लेके चल भाई, इसने बहुत गलत सीन करा है। जल्दी बैठ अपनी साइकिल पे बैठ, तेरे को गाड़ी में भी नहीं बिठाऊंगा, चल 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 साइकिल पे चल चल चल, मुझे वहां पे लेके जा जहां पे ट्रक बेचा तेरी ऐसी की तैसी, मन तो कर रहा है भाई जिसका खून ही कर दूं। ओके गाइस यार, अभी ना भाई मैं जिमी से ना साइकिल ही चलवाने वाला हूं भाई, ये ना अभी साइकिल के लायक ही है, अभी ना गाइस आज के बाद ना इसको कोई भी गाड़ी में नहीं बिठाने दूंगा और कुछ भी चीज को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा भाई, इसको आज के बाद ये साइकिल में ही तोड़े, पैस की टांग टक्कर हो गई भाई गंदी। अबे ठीक है ना भाई, अभी तो $100 million की टेंशन है, वो माफिया मेरी जान खा जाएगा, मेरे को मार देगा भाई, वो सही में बता रहा हूँ, इसने भाई क्या ही सीन गलत कर दिया। अबे स्टंट वटंट मार लेना, मैं सही में भाई ये पिटने वाला है मेरे हाथ में, मैं कसम से बता रहा हूँ, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला रखा है, देख रहा कैसे स्टंट मारता हुआ जा रहा है एंड क्या ही सीन कर दिया, पता नहीं भाई जिसको इसने ट्रक बेचा है उसको पता तो चल गया होगा कि उसके अंदर $100 million थे। हाँ भाई यार बहुत गलत सीन हो गया भाई, बंदे ने फंसा के रख दिया हर जगह से, एंड वो माफिया भाई कितनी सिक्योरिटी आप लोगों को पता है भाई, वो जब भी आता है ना मिलने 4-4 रेंज रोवर एंड बीच में एक मर्सिडीज जी वैगन होती है, वो 5-5 गाड़ियां लेके चलता है, हमने भाई उसको 3-4 बार बुलाया और तीनों चारों बार ना वो ऐसे ही आया भाई, बहुत बड़ी सिक्योरिटी के साथ मिलने आया हमेशा।
तो भाई ये बंदा अभी मुझे फंसवाएगा, मरवाएगा, पिटवाएगा, बहुत गंदा। चलो गाइस ठीक है यार, अभी तो उधर की बातें नहीं करते, अभी भाई बाद में देखते हैं भाई क्या सीन है, मतलब इसके पीछे पीछे करते हैं और कितना टाइम लगता है भाई देखते हैं यार। चलो निकलते हैं फिर जिमी की बताई गई लोकेशन पे। ऑल राइट गाइस, फाइनली जो है ना भाई मैं जिमी का पीछा करता करता पहुंच चुका हूँ एक जंक यार्ड पे। गाइस चलो ठीक है भाई, जिमी गया इस जंक यार्ड के अंदर। चलो एक काम करते हैं, ये गाड़ी को ना मैं जंक यार्ड के अंदर तो नहीं लगाता भाई, एक काम करता हूँ बाहर ही लगा देता हूँ। और जिमी का भी मेरे को ट्रक ना मिला ना, मैं सही में जिमी को मार डालूंगा आज, मैं सही में आज जिमी मरने वाला है मेरे हाथों। चलो ठीक है गाइस, अभी गाड़ी को लगाते हैं इधर आराम से एंड मैं चलता हूँ सीधा अंदर की तरफ। चलो गाइस ठीक है यार, बाकी सारा कुछ तो ठीक है, अभी सीधा अंदर की तरफ चलते हैं। और बाकी जिमी ने अपना साइकिल वाइकल वहीं पे लगा दिया। भाई आजा जिमी, मेरे को जल्दी से बता कि तेरा तूने ट्रक किसको बेचा है। बाकी ये कुछ बंदे खड़े हैं एंड फटाफट से मैं जाके इनसे बात कर लेता हूँ। भाई शायद हो सकता है इसने ट्रक इसी को बेचा। रुको, हाँ भाई बता मेरे को ट्रक कहाँ है भाई इसने है। एक सेकंड, गन निकाल रहा है तेरी पैसी ना भाई। गाइस हवाबाजी देखो भाई, भाई एक सेकंड तेरी पैस की। ओबे निकल गन चला रहे हैं भाई, ये गन चला रहे हैं। रुको मेरे पास भी एक पिस्टल है बस, बाकी सब कुछ तो अपना गिर चुका है। एक सेकंड तेरी पैस की टंग निकल। वेट भाई मैंने इनको किसी को कुछ भी नहीं कहा, हवाबाजी देख रहे हो भाई इनकी। रुक जा एक सेकंड, रुक जा बेटे, अब तू मेरे हाथों बचने नहीं वाला। एक सेकंड रुकियो जरा, एक सेकंड चल भाई निकल। चलो ठीक है भाई, इन बंदों को तो हमने खत्म कर दिया भाई। देख रहे हो मैं इनसे सिंपल बात करने आया, बंदा अपने अंदर से गन निकाल के आ गया। वो तो बढ़िया, हमने एक दो के थापड़ लगा दिया बट गलत ही सीन हो गया। बाकी चलो गाइस ठीक है, मैंने जिमी को बोल दिया भाई जिमी तू मतलब एक काम कर, तू अपना यहाँ से निकल भाई, कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे गन वन चली है, तू निकल भाई मैं यहाँ पे सेफ हूँ। बाकी चलो ठीक है, अभी जिमी यहाँ से जा चुका है। बाकी चलो ठीक है, अभी सब कुछ ना मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तेरी पैस की, एम्बुलेंस के बंदे आ रहे हैं भाई। ओ सॉरी, एक सेकंड पैरामेडिक के बंदे आ रहे हैं। पैस की निकल यहाँ से निकल। तेरे को आने को किसने बोला, चल निकल यहाँ से। पैस की टांग तुम्हारी भाई, ये क्रिमिनल्स को आगे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जा पैंस की टांग यहाँ से। चलो ठीक है भाई, अभी मुझे वो जल्दी से ना वो ट्रक को ढूंढना पड़ेगा। अब मुझे सही में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, इन बंदों ने, मैं आके इनसे आराम से मैंने बात करी, बंदों ने आके गन ही निकाल लिया। मुझे वो गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब वो ट्रक ढूंढना पड़ेगा। अब ये मुझे भाई वो ट्रक तो देने नहीं वाले, अब मुझे ये पूरा जंक यार्ड घूम घूम के ना वो ट्रक ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने ट्रक रखा तो रखा कहाँ पे, जिमी पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना। जिमी कम से कम भाई पूछ तो लिया कर यार, कौन सी चीज़ बेचने वाली है भाई। इसको लगा कि सिंपल ट्रक होगा, और पापा तो भाई ऐसे ट्रक रखते नहीं है एंड वो जाके बेच आया भाई। मैं गाइस मानता हूँ यार, उसको भी अपनी जगह ठीक है भाई, भी ऐसी चीज़ें हम रखते नहीं है, बट यार भाई उसी चीज़ के अंदर अपने $100 million पड़े थे, जो बंदे ने 2 मिनट भी नहीं सोचा। बाकी मुझे अभी ट्रक का पता नहीं भाई, इन्होंने ट्रक रखा कहाँ है। बाकी जिमी ने तो यही बोला है, बट ये नहीं पता कि भाई इन्होंने ट्रक तो नहीं कहीं और बेच बूच दिया। यार मेरे को तो भाई समझ में नहीं आ रहा, मैंने यार कहाँ पर रखा है भाई ट्रक, मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो नहीं, इन्होंने ट्रक आखिरकार रखा तो रखा का पे है। वेट, ये कौन जा रहे हैं, अबे ये कौन जा रहे हैं भाई, कोई लोग गए हैं भाई, कुछ समझ में। एक सेकंड ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड वेट ये क्या हुआ एकदम से, ये इतने लोग भाग के गए कहाँ थे और क्या चल रहा है ये। रुको यार मेरे पास पिस्टल तो है बट उसमें एमओ भी नहीं है। रुको एक सेकंड, चल पैस की टांग तेरी निकल 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 निकल, इनको खत्म करो पहले तो भाई, इनको खत्म करो। वेट चल तेरी ऐसी की तैसी, चल निकल भाई। भाई कुछ सीन हो रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे ये लोग क्या करने आ रहे हैं। वेट यार कौन मार रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है यार। भाई एक सेकंड, मुझे ना पहले कोई गन वन लेनी पड़ेगी, कोई ढंग की। एक सेकंड, ये हो क्या रहा है भाई, मजाक हो रहा है यार। मैं तो मुझे लग रहा ना जो मैंने 2-3 बंदों को मारा था ना, उसने ही भाई आगे अपनी गैंग बुला ली है, ये लड़कियों की गैंग आ रही है भाई यहाँ पे। क्या सीन हो रहा है यार यहाँ पे, मुझे समझ में। एक सेकंड, ये मेरे ऊपर क्यों गन चला रहा है, पहले तो तू निकल बेटे। वेट और तेरी पैस की, क्या हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, मुझे तो यार यही समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना सिंपल यहाँ पे ट्रक ढूंढने आया हूँ और लोग मेरे ऊपर क्यों वार कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। गाइस एक काम करता हूँ, मैंने निकाल लिया भाई, मेरे को ना एक SMG मिल चुकी है। काम करता हूँ बाहर जाके देखता हूँ और कोई बंदे तो नहीं। एक सेकंड, मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो, तेरी पैस की टंग भाई, ये मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे थे। वेट तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये दूर भी खड़े हैं भाई। रुको इनको ना पहले यहाँ से सबक सिखाता हूँ, जो भी ये लोग खड़े हैं ना पहले इनको खत्म करता हूँ। रुको वेट एक सेकंड, तेरी ऐसी की तैसी निकल। एक सेकंड, चल निकल बेटे तेरी पैस की। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार यहाँ पे सीन क्या चल रहा है।
चलो भाई इसको भी मारा, इसको भी मारा। शॉट गन है बेटे मेरे पास, पंगे लेने की सोचना भी बता। एक और बंदा खड़ा है, रुको रुको रुको, इसको भी टपका के आता हूँ ताकि ये और अपनी गैंग वैंग को ना बुला ले। पहले तो तू निकल। ओए पैस की, क्या हो रहा है यार आज मेरे साथ, मेरे को तो मेरा भाई दिन ही खराब चढ़ा है यार। एक तो 100 मिलियन डॉलर का फटका लग गया इतना बड़ा, ऊपर से ये पता नहीं क्या ही नंगी फुंगी गैंग आके अपने से पंगे ले रही है। चलो ठीक है भाई, अभी तो लग रहा है सब कुछ शांत है, और बाकी अपने को गन वन तो मिल गई भाई, बट एमओ नहीं मिले। एंड शॉर्ट गन पे भी एमओ खत्म हो गए, पिस्टल पे भी एमओ खत्म हो गए। अबे यार सारे एमओ एमओ भी खत्म हो गए। चलो छोड़ो यार, हमारा जो काम है ना हमें वो करना है भाई, अभी इधर उधर की बातें नहीं करनी, फटाफट से ना पहले मुझे ट्रक को ढूंढना है। आखिरकार ट्रक कहाँ पे रखा यार, मेरे को सही में डर लग रहा है भाई, उस ट्रक में पैसे वैसे हो जाए बस और कुछ नहीं। मतलब अगर ट्रक मिल भी गया तो, एक तो गाड़ी तो खड़ी है, बाकी नहीं यार हमें गाड़ी से क्या लेने देना, हमें ट्रक ढूंढना है अपना। यार ट्रक कहाँ है भाई, यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी जगह पे मैं ट्रक को ढूंढूं तो ढूंढूंगा कहाँ, और मैंने तो इतने लोग मार भी दिए। एक सेकंड, एक बंदा खड़ा है भाई, अगर ये ढंग से बात करेगा फिर तो ठीक है, नहीं तो ये भी मार खाएगा। सुनियो भाई, एंड मेरे को बस ये बता, ये जो भाई मेरा, ये देखो भाई, ये भी ट्रक गन निकाल रहा था, देख रहे हो। यहाँ पे सब अपने आप को गैंगस्टर क्यों समझते भाई, ये क्या बिजनेस नहीं करते क्या, मतलब क्या मतलब ये बिजनेस कर रहे हैं क्या भाई, सिंपल अपने पीछे से गन निकालने लग जाते हैं भाई ये। चलो ठीक है भाई, बाकी मुझे गन मिल गई जिसमें 12 गोलियां, अब कोई आने दो पैंस की टांग। मुझे सच्ची में गुस्सा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा गाइस, और कितनी देर मुझे उस ट्रक को ढूंढना पड़ेगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि वो ट्रक यहाँ पे है या फिर नहीं, ये ट्रक तो नहीं हो सकता भाई वो भाई, एक बार देखूं मैं। अबे सीन पता क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ गाइस, जिमी ने आके ना इनको ट्रक बेच दिया। जब मैंने इनको बोला कि भाई मुझे वो ट्रक वापस चाहिए, मुझे साफ साफ मना कर रहे हैं। या तो गाइस इनको पैसों का पता चल गया कि इसके अंदर पैसे वैसे हैं, या पता नहीं क्या, और ये ट्रक टेढ़ा पड़ा हुआ है भाई, इसको सीधा करूँ तो करूँ कैसे, एक सेकेंड। अबे सीधा कैसे करूँ भाई, कुछ ना कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी, इसको सीधा तो करना पड़ेगा ना, तभी तो भाई मैं इसके पीछे वो खोल के देख सकता हूँ। मुझे अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये दो लोग खड़े भाई, ये इनसे कुछ पूछूँ यार, एक सेकंड से बात करता हूँ। ये देखो ये बात तो कर रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ भाई मुझे, ये देखो ये ना भाई सबने मजाक बना के रखा हुआ है तेरी पैस की, ये देखो इन्होंने ना भाई सबने मजाक बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है ना उनके साथ फाइट करते हैं, अभी आज के बाद ना ये चीजें नहीं करने वाले तेरी। ओ भाई 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 भाई, बंदा तगड़ा ही मतलब लग रहा है यार, फाइटर वाइटर लग रहा है। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं बेटे, अब तू मेरा खा मुक्का, तेरी पैस की टांग, अब तू मेरा खा मुक्का, और वेट ऐसे तू जाने नहीं वाला, एक सेकंड तू ऐसे जाने नहीं वाला, तेरी पैस की टांग अब जाएगा बेटे। रुको गाइस, यार यहाँ पे मुझे ट्रक तो मिल चुका है, बट अभी मुझे उस ट्रक में से बस देखना कि पैसे हैं या नहीं, फिर पैसे देखने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा यार। रुको क्या करूँ, अभी और बंदे आ रहे हैं। अबे क्या हो क्या रहा है भाई, यार मेरी इनके साथ ही फाइट होती जा रही है भाई। एक सेकंड, ये अंकल आ रहे हैं भाई, चल निकल निकल, एक सेकंड, चलो इतना ही थे भाई, एक दो और पीछे है, रुको, एक दो ही होना, एक सेकंड गाइस, एक ही बंदा और पीछे बस, और बाकी तो सारे खत्म हो गए, एक ही ये बंदा बचा है, वेट चल निकल। अब गाइस इनका अभी सब कुछ इग्नोर मारो भाई, ये तो दिमाग खराब करने वाली बात हो रही है। अब मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा ना, तो उस गाड़ी से ट्रक सीधा करूंगा तो अपनी गाड़ी को डैमेज पहुंचेगा, तो इन्हीं की कोई चीज लेती है मुझे जिससे मैं अपने ट्रक को सीधा कर पाऊँ। ओके गाइस, यार मुझे ना भाई ये चलता फिरता पता नहीं क्या बकवास सा ट्रक मिल चुका है, इसी से उस ट्रक को ना मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। रुको, वो ट्रक रखा था हमने इधर। चलो ठीक है गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ ट्रक को, अभी इसको ना सीधा करने का ट्राई करता हूँ, सीधा हो पाएगा या फिर नहीं, बस सीधा एक बार करके ना अंदर से पैसे चेक करने हैं कि हाँ भाई पैसे वैसे हैं या नहीं। भाई सीधा हो जा प्लीज प्लीज प्लीज, सीधा हो जा, हो जा हो जा हो जा, सीधा हो जा। ओके हम रहे सक्सेस इसको सीधा करने में। बाकी चलो भाई इसका ना अभी ट्रंक ओपन करके देखते हैं पहले तो फटाफट से। फाइनली गाइस, पैसे जो है ना भाई वो इसी ट्रक के अंदर ही रहे, मतलब किसी को पैसों के बारे में पता नहीं चला। भाई जल्दी जल्दी ना इसको बंद करता हूँ, अगर किसी की नजर पड़ गई ना वो बंदा तो भाई पुलिस पे भी कंप्लेंट कर सकता है। अब इसको ट्रक को लेके कैसे जाऊं वो समझ में नहीं आ रहा यार। ऑल राइट गाइज, अभी ना भाई इस ट्रक को लेके जाना पड़ेगा, मेरे पास तो फोन भी नहीं है ताकि मैं फोन करके ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन किसको बुला सकूं। गलत ही सीन हो रखा है भाई अब तो यहाँ पे, और ट्रक की हालत देख रहा हूं भाई कितनी गंदी हो रखी है, मतलब स्क्रैप यार्ड में पड़ा रहेगा तो भाई और क्या, साफ सुथरा तो रहेगा नहीं, गंदा ही रहेगा। बाकी भाई पता नहीं चला भाई किसी को, इनको भाई इतने नल्ले है ना भाई ये बेचने, मतलब ट्रक व्रक वाले, इनको पता ही नहीं चला कि इसके अंदर इतना सारा कैश पड़ा है। बाकी निकलो तुम्हारी ऐसी जैसी नल्लो तुम्हारी पैंस की, निकल साइड पे हो, चल भाई निकलो यहाँ से। अबे अबे यार इनको अभी गोली चलाने का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मुझे अपनी गाड़ी को भी सेट करना है। रुको रुको एक सेकंड, अभी ना इस ट्रक को ना मैं यहाँ पे पहले लगाता हूँ, अपनी गाड़ी को सेव कर लूँ। एक सेकंड आ रहे हैं ना भाई, भाई ये नहीं बाज आने वाले यार, क्यों भाई क्यों पंगे ले रहे हो यार तुम लोग मेरे से,
मैं जब तुम लोगों किसी को कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। निकल, वेट वेट वेट, आजा आजा आजा। आज तो ना गाइस दिन की शुरुआत इतनी गंदी हुई है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुबह से बस फाइट ही चल रही है। चल निकल, चल निकल। अब तो भाई हेडशॉट पे हेडशॉट बजा के इनको खत्म करना पड़ेगा। रुको रुको, एक दिन से पहले थोड़ा सा मुंडी तो दिखा भाई। चल निकल, एक सेकंड, एक बंदा और है, मुझे लग रहा वो भी चला गया बेचारा। चलो भाई एक काम करते हैं, पहले ना अपनी गाड़ी को ना भाई यहाँ पे सेव करते हैं, क्योंकि भाई देखो $100 मिलियन की अपनी वो है और $20 मिलियन की हमने ये गाड़ी ली है, तो भाई दोनों तरफ ना लॉस सिर्फ और सिर्फ अपना ही है। तो इस गाड़ी को मैं ऐसी जगह पे साथ लगाऊंगा ना, ताकि भाई किसी को कुछ पता ना चले, और यहाँ पे तो भाई थोड़ा सीन हो जाएगा। रुको रुको, एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को ना भाई साहब इधर लगाते हैं, एंड हाँ इधर लगाते हैं भाई अपनी गाड़ी को। अभी ना गाइस एक काम करते हैं, पहले ना फटाफट से मैं इस ट्रक को घर पे छोड़ के आता हूँ, देन उसके बाद ना भाई अपना जो ट्रक है ना उसको उसके बाद ना जब मैं गाड़ी है ना उसको ले जाऊंगा भाई। ले तो मैं ट्रक छोड़ के आता हूँ भाई घर पे। और बाकी भाई काफी लोगों ने अभी तक लाइक वाइक नहीं करा, फटाफट से लाइक करो यार गाइस, क्या कर रहे हो यार। अभी मैं गाड़ी लेके ना उसके बाद अपने शोरूम पे भी चलते हैं भाई। शोरूम में आजकल क्या सीन चल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, क्या हो क्या रहा है भाई लाइफ में। मतलब जब से हमने फ्रैंकलिन को बाहर निकाला है ना पुलिस स्टेशन से, तब से भाई पता ही नहीं चल रहा अपनी लाइफ में चल क्या रहा है। चलो ठीक है, अभी इधर की बात नहीं करते, फटाफट से पहले ट्रक को लेके मैं सीधा चलता हूँ अपने घर की तरफ। तो फटाफट से गाइस उनके नाम लेते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सबसे बढ़िया कमेंट्स करे थे। थर्ड नंबर पे केजी रॉक, जिन्होंने थर्ड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। सेकंड नंबर पे आर्यन भाई, जिन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। फर्स्ट नंबर पे तन्मय अरोड़ा, जिन्होंने भाई साहब फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। तो गाइस आप लोग भी ऐसे कमेंट करते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला आप लोग को प्यारा सा शाउट आउट। और फटाफट से जाओ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं वहां पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, वीडियोस के सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, वीडियो कब आएगी एंड सबसे बातें करता रहता हूँ। तो आ जाओ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो। ओके गाइस मैं अपनी ट्रक को लेके आ चुका हूँ अपने घर पे, फटाफट से भाई घर के अंदर लगाते हैं इस ट्रक को, ताकि अपने पैसे भाई सेफ रहे। और उसके बाद मुझे बैनी के पास भी जाना है भाई, बैनी से पूछना है आखिरकार सीन क्या है। ओ पागल, ये क्या, कौन पागल था ये, क्या करता रहा भाई, क्या करके रहा है ये पागल कहीं का। चलो ठीक है भाई, खोलो इस गेट को एंड फटाफट से ना भाई ये ट्रक को मैं सेफली कहाँ पे रखूँ ये समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद अगर किसी ने बेचने की भी कोशिश करी ना, मार के रख दूंगा भाई। अब ये अमेंडा की गाड़ी है, वो गालियां देगी पैस की टक भाई, क्या यार ये सब पागल ही है मेरे घर वाले यार, हटा पैस की टक इसकी गाड़ी को, इसकी गाड़ी ऐसी तो भाई 50 आ जाएंगी इतने रुपए में। चलो ठीक है भाई, गाड़ी मैंने साइड कर दी है, अभी फटाफट से ना इस ट्रक को लगाते हैं भाई साहब इधर। और अब अगर किसी ने ट्रक निकालने की भी कोशिश करनी है, एक बार घर पे जाके ना पूरी इनको वार्न करके आ जाता हूँ, अगर किसी ने यहाँ से अभी ट्रक निकाला ना सीधा मार पड़ने वाली है बहुत गंदी। ये बड़ी अपनी फैमिली तीनों यहाँ पे बैठे हैं, मन तो कर रहा है जिमी के एक लगाऊं, बट ठीक है भाई अब इनसे बात करते हैं। तीनों को समझा दिया भाई, अब ये ट्रक की पूरी वो रखना, नहीं तो भाई पिटने वाले हो, मैं सही में बता रहा हूँ भाई। चल ठीक है ना, मैंने सबको बता दिया। और बाकी भाई मेरी जो हालत हो रखी खून वून, अभी फटाफट से ना पहले भाई थोड़ा सा नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, क्योंकि ऐसे खून वून लेके भाई अपने शोरूम में जाएंगे ना अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह क्या ही सोचेंगे। चलो ठीक है भाई, अभी ना फटाफट से पहले थोड़ा सा नहाते हैं। चलो गाइस ठीक है, अभी मस्त नहा धो लिया हमने और फटाफट से एक जूस का गिलास पी के, देन उसके बाद ना अपने कपड़े चेंज करने के लिए चलते हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा ही गलत सीन होते जा रहे हैं यार अपने साथ, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को यार। चलो बाकी कोई बात नहीं यार, अभी भाई अभी मैं अमेंडा को आज बताने वाला हूँ, मतलब अभी गाइज मैं जाके ना पहले कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद ना मैं अमेंडा से बात करता हूँ कि आखिरकार हमें क्या करना है। अभी पार्टी वार्टी का कुछ करते हैं, पार्टी का भी कुछ करना है भाई, अभी पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को करते हैं, बोलते हैं उनको ताकि वो घर भर अपना सजाएं बढ़िया तरीके से, एंड उसके बाद अपने घर पे बढ़िया पार्टी रखेंगे। पहले पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को मैं फोन करते हैं, मतलब गाइज उनको मिलके आते हैं यार, पहले तो मैं कपड़े देखता हूँ भाई कौन से पहनूं। ओके गाइज आज हम ये वाले कपड़े पहनने वाले, और बाकी ना टकला माइकल देख के ना भाई वो फील ही नहीं आ रही यार जो अपने माइकल की फील आया करती थी पहले। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी हमने कपड़े वड़े पहन के सब नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं, अभी चल के ना सीधा फैमिली से बात करते हैं कि पार्टी का क्या करें भाई। चलो भाई अभी फैमिली से करते हैं बात, इनसे सारी बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पार्टी का क्या करना है। ओके गाइस यार पार्टी का नाम सुनते ही ना फैमिली भाई पूरी मतलब नाचने लगी पड़ी है, और ये देखो भाई ये बंदा खुश ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है आज इसने जो काम करा है ना इसके लिए भाई इसको खुश होना वैसे भी बनता नहीं है। बाकी अपनी फैमिली भाई पूरी खुश है और ये कह रही है भाई प्लीज 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 जल्दी माइकल घर पे पार्टी रखो। चलो ठीक है भाई, अभी फैमिली को खुश देख के ना और भी ज्यादा मतलब मस्त फील हो रहा है। चलो ठीक है, अभी बात करके आते हैं पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों से, पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी लेके आते हैं पहले, एंड उसके बाद पहले शोरूम पे भी चलेंगे, बहुत सारे काम है यार
एंड लेस्टर से भी मिलके आना है भाई, अपना फोन का डेटा क्लियर करना है, अपने को फोन भी लेना है नया। सबसे पहला काम हम यही करते हैं ना कि भाई पहले चलते हैं लेस्टर के पास और लेस्टर को बोलते हैं कि भाई जो भी फोन का डेटा है ना वो क्लियर कर दे, नहीं तो अगर एफआईबी के हाथ में अपना फोन लग गया ना भाई वो सारी चीजें देख लेंगे। पहले मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए चलता हूँ यार फर्स्ट तो किसी की गाड़ी, एक मिनट ये बंदा गाड़ी लेके बस यहाँ पे कोई आ जाए उसकी गाड़ी चुरा के अपनी गाड़ी के पास चलते हैं। और यहाँ पे भाई अब और योग और यहाँ पे मस्त योगा वोगा चल रहा है बाकी एक 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 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैडम जी या सर जी जो भी, तो आप गाड़ी छोड़ दो बढ़िया तरीके से निकलो बाहर पैस की टांग। चल 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 चलो ठीक है भाई अभी इधर उधर की बात नहीं करते, फटाफट से अपनी गाड़ी भगा के पहले तो अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं उसके बाद चलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। ओके गाइस मैं तो पहुंच चुका हूं, बाकी ये रहा वो वही जंग की अड़प, हमने अपनी गाड़ी लगाई थी ओके वहां पे लगाई थी गाड़ी। चलो ठीक है भाई अपनी गाड़ी को निकालो, ये गाड़ी जिसको चाहिए होगी भाई उठा के ले जाना कोई दिक्कत नहीं है, फ्री की गाड़ी है जिसको चाहिए होगी ले जाना। बाकी चलो ठीक है भाई अपन अपनी गाड़ी उठाते हैं और फटाफट से भाई लेस्टर के पास चलते हैं। लेस्टर का घर ना यहाँ पे बहुत ही करीब है, उससे जाके ना भाई सारी बात करते हैं एंड पार्टी वार्टी का भी सीन उससे पूछेंगे, पार्टी कोई ऑर्गेनाइजर वाला उसको बढ़िया तरीके से जानता होगा ताकि हम बढ़िया तरीके से अपने घर पे पार्टी कर सके। एक मिनट यार यहाँ से हम गाड़ी ठुक गई भाई, जितना ही मैं अपनी गाड़ी को सेफ करता जा रहा हूँ ना उतनी ठुक रही है। चलो कोई बात नहीं यार इधर से गाड़ी निकालते हैं और फटाफट से भाई पहले तो चलते हैं लेस्टर के पास। लेस्टर के पास जाके ना अपने फोन का डेटा क्लियर करवाते हैं ताकि अपने ऊपर प्रॉब्लम ना आए भाई इन फ्यूचर। चलो ठीक है एक सेकंड एक सेकंड। चलो गाइस ठीक है अपनी गाड़ी भगाते हैं और फटाफट से निकलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। ओके गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के घर पे और फटाफट से भाई अपनी गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे मस्त तरीके से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कहाँ पे लेस्टर का घर भी नहीं भाई, एक से एक ना ये वाली जगह पे आते हैं ना भाई सेम टू सेम ही घर दिखते हैं, ये रहा लेस्टर का घर। गाड़ी को लगाते हैं यहाँ पे एंड फटाफट से जाके भाई साहब लेस्टर से बात करते हैं एंड लेस्टर से बात करने के बाद फिर देखते हैं भाई क्या करना है। ओके गाइस हम आ चुके हैं भाई साहब लेस्टर के पास, अभी ना भाई इससे पूरी बात करने वाला हूँ मैं कि भाई वो फोन का ऐसे कर भाई क्लियर कर उस डाटा को, क्योंकि भाई वो फोन में बहुत बड़ी बड़े जो भी हमने आज तक के सारे कांड करे ना भाई वो मतलब सब फोन में सब है भाई। तो लेस्टर कह रहा है कि उसकी टेंशन मत लो, बाकी भाई लेस्टर ने अपना एक और काम आसान कर दिया। अभी वो आसान ये काम है कि भाई लेस्टर ने डाटा तो डेटा कह रहा है वो क्लियर कर देगा फोन का, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो अपना फोन है वो कनेक्टेड है भाई, तो लेस्टर कह रहा है वो इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बाकी लेस्टर ने अपना एक काम बहुत आसान कर दिया कि वो जो अपना फोन है ना भाई उसने इसने वो सारा बैकअप ले रखा था अपने कॉन्टैक्ट अपने मैसेजेस वगैरह। हम नया फोन लेने जाएंगे ना उसके बाद मैं लेस्टर को फोन करके बता दूंगा भाई ये मेरा फोन है एंड लेस्टर जो भी नंबर उसका करेगा वो करवा लेगा, मतलब सीरियल नंबर वगैरह होता है मुझे पता नहीं है भाई इतना। एंड लेस्टर वो कह रहा है कि वो सारा बैकअप जो है वो उसके अंदर रीस्टोर कर देगा, अपने सारे कॉन्टैक्ट मैसेज डेटा सब अपना उसी नए वाले फोन में आ जाएगा। भाई लेस्टर ये तो भाई तूने और भी मस्त काम कर दिया यार मेरा। चलो भाई ठीक है यार, चलो गाइस ठीक है भाई लेस्टर ने तो ना ये काम और भी ज्यादा मस्त कर दिया अपना। अभी हमें सिंपल बस जाना है फोन लेने के लिए और फोन लेने के लिए एक मैंने देखा है भाई यहाँ पे एक एप्पल स्टोर खुला है भाई, अपने लिए एप्पल का फोन लेते हैं या फिर देखते हैं भाई पहले जैसे कुछ फोन लेते हैं। देखते हैं भाई पहले जैसा जो फोन था ना वो अपने लिए मतलब ठीक था यार, वो तो जाके देखते हैं भाई। अभी चलते हैं सीधा एप्पल स्टोर पे और फोन लेते हैं, देखते हैं पहले एप्पल स्टोर पे चलते हैं उसके बाद भाई अगर कोई और स्टोर होगा तो वहां पे जाके देखते हैं। चलो गाइस ठीक है यार अभी इधर उधर की बात नहीं करते, अपनी गाड़ी भगाते हैं फटाफट से निकलते हैं एप्पल स्टोर के लिए। ठीक है गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता यहाँ पे एक एप्पल स्टोर है वहां पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी रुको रुको एक सेकंड, यहाँ पे कोई मोबाइल स्टोर था भाई वो कहाँ है एक सेकंड। यहाँ पे एक भाई पहले डिजिटल डेन हुआ करता था वो बंद हो गया भाई, बहुत पहले यहाँ पे हुआ करता था, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते थे ना वो यहीं से लेते थे। मुझे क्या ये रहा भाई वो ओके 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 अपनी गाड़ी को ना भाई सामने लगाते हैं। तो बाकी चलो ठीक है भाई इनको पार्किंग वार्किंग भी बनानी चाहिए, बट बनाई होगी भाई मुझे नहीं पता क्योंकि भाई जो अंदर इतने सारे लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं गाड़ियाँ वाड़ी खड़ाई होंगी ना। चलो ठीक है हमें तो क्या ही ले देना, फटाफट से चलते हैं अभी अंदर की तरफ और भाई साहब अंदर तो काफी ज्यादा भीड़ है। बाकी चलो हमें क्या लेना देना, चलते हैं सीधा अंदर की तरफ और अपने लिए भाई जो भी फोन वगैरह जो भी पसंद करना है वो करते हैं। चलो भाई कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, मतलब बाहर भी दो दो खड़े हैं, एक इधर इधर उधर भाई सब कितने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। बाकी चलो ठीक है हमें यहाँ पे फोन लेना है और फोन आजकल कौन कौन सा मस्त चल रहा है यार, यहाँ पे लैपटॉप पड़े हैं भाई अपने लिए कोई लैपटॉप भी ले लेते हैं यार देखते हैं, क्योंकि भाई देखो अपने पास ना ही भाई कोई लैपटॉप है मतलब ना ही कोई टैबलेट वगैरह है, तो भाई कुछ ना कुछ देखते हैं यार। रुको मैं पहले लैपटॉप देखता हूँ अपने लिए, कोई लैपटॉप तो यार कभी बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे एक टैबलेट पड़े हैं, टैबलेट देखें। बाकी मानने वाली चीज है भाई टैबलेट भी ना यार मस्त चीज होती है, मतलब बंदा कभी भी इसको अपने घर पे जैसे हम आराम से लेट के चला सकते हैं। टैबलेट भी मस्त है मतलब वीडियोस वगैरह देखने के लिए, यूट्यूब वीडियोस मोहित गेमिंग वर्ल्ड चैनल की वीडियोस देखने के लिए मस्त है भाई टैबलेट। बाकी चलो छोड़ो हम लेने आए भाई फोन, तो फोन
कौन, देखते हैं भाई कौन सा ले या हम इसे। गाइस ठीक है यार, अपना वही सिंपल पहले वाला ही फोन ले लेते हैं भाई, वही मस्त है यार, क्योंकि इसको चलाना भी आसान है एंड कोई बाकी और भी कोई मतलब सीन नहीं है भाई कोई। चलो ठीक है भाई, इसको पैक करवाते हैं फटाफट से। ओके तो गाइस पैसे वैसे पूरे दे दिए हैं और बैग एंड बॉक्स, वो उनका बॉक्स बॉक्स जो भी रहता है वो इसके अंदर है एंड हमने सिम भी अपना निकलवा लिया है, अपना इनसे प्रूफ वगैरह मांगा था इन्होंने हमारा, वो सब हमने इन्हें दे दिया है, बाकी हमारा सिम भी आ चुका है। बाकी चलो ठीक है, अभी एक काम करते हैं फटाफट से, पहले तो भाई इधर उधर कुछ भी नहीं है, चलो आराम से ना जाके गाड़ी के अंदर बैठते हैं और भाई फोन वोन पे चेक करते हैं कि आखिरकार सीन क्या है, कोई ऑर्डर वॉर्डर आए या फिर क्या, मतलब देखते हैं भाई। चलो पहले तो बैठते हैं गाड़ी के अंदर, एक काम करते हैं पहले तो भाई अपने घर पे चलते हैं और घर पे जाने के बाद ना मैं सबको कॉल करने वाला हूँ एंड उसके बाद मैं जाके भाई या तो ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन को अपने साथ बुलाता हूँ। ट्रेवर को कॉल करता हूँ, भाई मेरे पास आ यार थोड़ा काम करते हैं, और फ्रैंकलिन को भाई घर पे अभी आराम करने देते, बेचारा काफी टाइम से जेल के अंदर रहा है एंड अभी वो इतना बाहर घूम भी नहीं सकता, अगर पुलिस वालों ने पहचान लिया तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अभी के लिए मैं घर पे जाके ड्राइवर को कॉल करता हूँ और ड्राइवर आएगा ना उसके बाद भाई चलते हैं फिर पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के पास एंड देखते हैं भाई, और भी बहुत सारे काम पेंडिंग है यार, कभी एक ही कहीं एक ही काम थोड़ी पड़ा है यार, बहुत सारे काम है तो वो भी हमें करने हैं। फटाफट से निकलते पहले घर की तरफ। ओके गाइस यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी गाइस अपन चेक करते हैं भाई फोन पे किस किस लोगों के कॉल आया या फिर क्या, चलो चेक करते हैं। और बाकी मैं ना फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ, ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ ताकि वो भाई अपने घर पे आ जाए और अभी हम जो भी आगे के काम है ना वो दोनों हम मिलके करें यार। भाई मैं कॉल करता हूँ जल्दी से, पहले तो भाई अपना फोन आ चुका है और बाकी वो तो हम बाद में देखते हैं, पहले मैं ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ भाई साहब। ऑल राइट गाइस ठीक है, मैंने भाई ड्राइवर को कॉल कर दिया है, इतने में वो आता ही होगा, चलो जब तक उसकी वेट तो भाई करनी करनी है। बाकी चलो गाइस ठीक है, अभी मैं चेक करने वाला हूँ भाई साहब यहाँ पे हमें एक सेकेंड, मैसेजेस भी कितने सारे आ रखे हैं और ओके ड्राइवर भी आ चुका है, भाई कितनी जल्दी आया ये बंदा। चलो ठीक है भाई साहब ड्राइवर भी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि भाई जो अपना ये जो मेंशन है ना वो बहुत ही पास है और भाई ड्राइवर की ड्राइविंग तो आप लोग को पता ही है भाई कितनी खतरनाक करता है ड्राइवर। चलो ठीक है भाई, अभी फोन का तो पता नहीं भाई, देखो फोन बंद पड़ा था अपना इतने दिन से, फोन तो पता नहीं, बाकी मैसेजेस और मेल्स वगैरह अभी आ रहे हैं ठीक है, अभी मतलब जैसे अभी हमने फोन ऑन किया ना तो धीरे धीरे वो आ रहे हैं। तो अभी गाइज एक काम करते शोरूम में ना कॉल करते हैं, आखिरकार वहां पे सीन क्या चल रहा है, किसी ना किसी एक गार्ड को मैं कॉल करके फोन पे बात करता हूँ उससे। भाई मेरी जो है ना भाई शोरूम के एक गार्ड से बात हो चुकी है, शोरूम का एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे को बोल रहा है कि आपसे मिलने के लिए ना एक फैमिली रोज आ रही है शोरूम में, रोज आ रही है बट आप शोरूम में आ नहीं रहे हो, वो बार बार मतलब रोज आती है एंड हम रोज उनको बोल देते हैं कि अभी सर आए नहीं है तो वो चले जाते हैं वापिस। कौन ऐसी फैमिली है जो हमको मिलने आ रही है बार बार, भाई ये तो अभी वहां पे जाके कन्फर्म होगा। और मैंने भाई अपने साथ ड्राइवर को इसीलिए बुलाया, हमें अभी दो काम करने हैं, दो काम वो है कि पहले हम चलने वाले हैं बैनी के पास, बैनी का काम देख के आते हैं भाई बैनी ने कितना काम किया उस गाड़ी को, ठीक भी किया भी है बैनी ने या फिर वो वैसे ही चलता जा रहा है भाई देखना, पहले तो वो काम हमें करके आना है, देन उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के पास जाके आना है, तभी उसके बाद ना भाई पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को मिलके आना है। अबे ठीक है भाई टक्कर खा रही है गाड़ी बार बार, अभी उसके बाद पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को मिलके आना है और पूछना है भाई कितना खर्चा आने वाला है सारी पार्टी वार्टी में, पार्टी तो करनी है भाई क्योंकि यार हमने अपना घर भी बनवाया, आप लोग को पता है भाई कितनी डिले कर लिया हमने इस चीज़ को और ऊपर से हमने अपना शोरूम भी ले लिया, तो इसी खुशी में भाई दोनों खुशियां हैं तो इसलिए एक पार्टी तो रखनी बनती है। बाकी जितने अपने दुश्मन दोस्त जो कुछ भी है सबको इन्विटेशन भेजेंगे, सबको इनवाइट करने भी चलेंगे, फ़ोन से भी इनविटेशन जितनों को भेज पाएंगे वो भेज पाएंगे। बाकी ठीक है भाई, जैसे लेस्टर ने बोला था वैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह सब वापस आ चुके हैं, मैंने लेस्टर को रास्ते में आते आते बोल दिया था भाई मैंने ये फ़ोन लिया है, उसने सारा जो अपना बैकअप था वो रिस्टोर कर दिया इसी फ़ोन के अंदर। चलो ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करते, पहले तो चलते हैं भाई सीधा बैनी के पास और देख के आते हैं भाई बंदे ने कितना काम किया है उस गाड़ी के ऊपर। चलो चलो गाइस सीधा निकलते हैं बैनी के गैराज के लिए। ओके गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता पहुंचने वाला हूं बैनी के गैराज पे और भाई अब तो बैनी सुधर गया है भाई, बैनी वैसे ना मानने वाली बात है अब सुधर गया, अभी वो गैंग वैंग का इसने साथ छोड़ दिया, अभी अपने काम पे ध्यान देता है यार। ये लो अभी मैं इसकी तारीफ कर रहा था कि बैनी सुधर गया है, अभी फिर से इसने गैंग के साथ घूमना शुरू कर दिया। चलो भाई अब अगर इसकी गैंग चौड़ी हुई ना मेरे साथ अब ये मार पिटने वाला है, बैनी भी पिटेगा आज तो मैं सही में बता रहा हूँ। आजा भाई ड्राइवर, आज तो कसम से बोल रहा हूँ भाई ये बहुत पिटने वाला है अगर आज इसने चौड़बाजी करी। आजा भाई ड्राइवर और फटाफट से भाई देख के आते इसने गाड़ी पे काम कितना किया, तीन दिन हो चुके हमने गाड़ी ले रखी, दो दिन हो चुके हमने गाड़ी ले रखी है एंड अभी भाई वो गोल्ड वाला सीन भी करना है भाई, इससे बुलाता हूँ यार पहले तो मैं। ओके गाइस ठीक है भाई, अब ये अपने पास तो आ चुका है, अभी इसके तेवर फिर से चेंज हो चुके हैं और अभी भाई साहब इसका चेहरा देखो, ये बंदा पूरे गुस्से में है ठीक है, मतलब जब भी मैं भाई इसको मिलने आता हूँ ना पूरा गुस्से में रहता है ये, देखो भाई
कैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। और कोई बात नहीं भाई, तू मुंह बना के बैठा रहा है, बाकी ना गाइस इसने गाड़ी पे भाई कुछ भी नहीं करा, मतलब कुछ भी नहीं करा। एक सेकंड रुको, पहले मैं इसको भाई बैठ के स्टार्ट करके देखता हूँ इस बंदे ने कुछ काम करा भी है। ओ ओके, बंदे ने भाई कम से कम गाड़ी तो रिपेयर करी है। ओके भाई, बंदे ने गाड़ी रिपेयर कर दी है, बाकी इसके डोर हमें लाने हैं एंड ये पीछे का इसका ट्रंक का वो लेके आना है। उसके बाद हमें गाइज इसको गोल्ड का बनाना है, और बाकी भाई आगे का हुड भी तो चाहिए होगा ना, क्योंकि ये ऐसा तो इंजन होता नहीं होगा भाई, ऐसी गाड़ी तो होती नहीं होगी जिसका इंजन ऐसा रहता होगा। ये बिग माफिया ने भाई काम तो बहुत गंदा दिया, बट उस हिसाब से उसने बंदे ने पैसे भी दिए हैं, और उसने मुझे बोला भी था अगर पैसे कम पड़े तो बोल देना, मतलब ऐसा बोला नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई पैसे कम पड़ गए। बाकी ये है अपनी लिम्बोर्गिनी सियान, भाई इस बंदे ने इस पे कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, इसको बुलाइयो जरा पैस की इसको। अबे ओ सुन भाई, ये क्या है भाई, ये लिम्बोर्गिनी सियान पे तो कम से कम काम शुरू कर दे यार, तू क्या आदमी है। गाइस देख रहे हो भाई, भाई मुंह बना के ही चला गया यार ये तो, मतलब यार ये कह रहा है कि गाइस इसके, हाँ इसने ये तो बोला था कि मेरे को पहले कि इसकी बॉडी चाहिए, बॉडी लेके आनी, इंजन इसका बिल्कुल ठीक है बट इसकी बॉडी लेके आनी पड़ेगी, टायर वायर इसको चेंज करने पड़ेगा। टायर तो भाई इसके पास हजारों पड़े, टायर की तो टेंशन नहीं है, बाकी बस इसकी बॉडी लेनी पड़ेगी। इसकी बॉडी लेके आनी है, उसके डोर्स लेके आने हैं, ट्रंक लेके आना है, बाकी इस पे तो अभी भाई लगा रहेगा। बहनी अभी बोल रहा है कि भाई इस पे थोड़ा मोटा इंजन का काम रहता है, अभी पूरा हुआ नहीं है, तो भाई इसको टाइम देते हैं, इसको करने देते हैं, बाकी ये कलर वगैरह साफ करेगा, पूरा कलर उतारेगा इसका, जो भी भाई ये गंदगी लगी हुई है ना ये उतारेगा एंड अभी ये बिल्कुल ठीक करेगा। और बाकी भाई इसने बोला कि इसने विंडो लगाई है आगे की, इधर की, और विंडो लगाई है, बाकी टूटे पड़े थे ना शीशे वगैरह जब हम लेके आए थे, तो आगे पीछे की इसके पास विंडो पड़ी थी पुरानी, कह रहा है ये इसने लगा दिया, मतलब इसके बाद हमें डोर लेके आने, उसके बाद फिर करेंगे भाई, ठीक है चलो वो तो कोई बात ही नहीं है। इसके पास सामान वामान तो पड़ा ही रहता है बंदे के पास, ऊपर ये ऑफिस में पूरा सामान पड़ा रहता है, इसके नीचे जाके सामान पड़ा रहता है, चलो हमें क्या लेने देना, हमें तो भाई अपनी लिम्बोर्गिनी सियान ठीक करवानी है, उसको ठीक करवाना है, उसी पे हमारा सब कुछ होगा भाई। देखते हैं भाई, चलो बॉडीज लेने जाएंगे, वो टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा यार, इसको पहले रिपेयर करने देते हैं, देखते हैं भाई कितना टाइम लगने वाला। ये गाड़ी बहुत मस्त बनेगी भाई, जब ये गोल्ड की बनेगी ना, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खतरनाक बनने वाली है। बाकी चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं बहनी, कोई दिक्कत नहीं है, जो कुछ तू करता फिर रहा ना बहनी, कोई बात नहीं बेटे, तेरे को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बंदा ना भाई मैं आया हूँ इतनी दूर से, बंदे ने क्या बोलूं यार, बंदा मेरे को भाव तक नहीं दे रहा, बंदे को अपनी गैंग के साथ पता नहीं क्या ही बातें करनी, आंटी कहेंगा चुगलियां करता रहता है। चलो ठीक है भाई, इधर की बातें, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, और बाकी चलो भाई अभी मुझे वो, बाकी मुझे भाई वो सिक्योरिटी गार्ड भी पता नहीं किस बात के लिए बुला रहा है, कौन सी फैमिली मुझे बार बार मिलने आ रही है, भाई कौन हो सकता है यार जो मुझे बार बार इतना मिलने आ रहा है। वो कह रहा है कि लगातार 5-6 दिन हो गए सर, आपको कोई ना कोई फैमिली मिलने आ रही है, और वो बेचारे नाराज होकर चले जाते हैं वापस जब आप होते नहीं हो, तो प्लीज सर उनके लिए। मैंने उसको बोल दिया कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने भाई उन फैमिली वालों का नंबर लेके रखा हुआ था, आज उसने सिक्योरिटी गार्ड ने फोन कर दिया होगा, फोन करके सिक्योरिटी गार्ड बोला था मैं आपको सर कॉल बैक करता हूँ, देन उसके बाद आप शोरूम में पहुंच जाना। चलो ठीक है भाई, वो तो हम करते हैं, बाकी चलो अभी फटाफट से पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के पास चलते हैं और उनसे पूछ के आते हैं भाई कितना खर्चा लगने वाला है, पार्टी करवानी है घर पे, क्या सीन है भाई। चलो ठीक है, अभी उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से पहले पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों को चलते हैं एंड डेट वेट कंफर्म करते हैं पार्टी की। चलो ठीक है भाई, निकलते हैं सीधा पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के पास। चलो गाइस ठीक है यार, मैं अपनी गाड़ी को ना फुल स्पीड में भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों के पास। ओके, इनका ऑफिस ना भाई यहीं कहीं पे था, वेट ये दोनों, एक सेकंड ये वाला ऑफिस है उनका, रुको अपनी गाड़ी को ना भाई यहाँ पे लगाते हैं और आ जा भाई ड्राइवर, फटाफट से जाके इनको मिल के आते हैं, और उसके बाद ना भाई इनसे सारी बात करते हैं कि घर पे एक पार्टी करनी है, कितना खर्चा आने वाला है। खर्चा तो चलो गाइस जितना भी आएगा वो करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी होगी, क्या चाहिए होगा भाई, मतलब वो सब कुछ वो बता ही देंगे। तो इनका मुझे लग रहा है 3rd फ्लोर वाला इनका ऑफिस है। बाकी चलो ठीक है, फटाफट से भाग के चलते हैं भाई पहले तो, एंड क्योंकि भाई हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, अभी शोरूम में जाना है और शोरूम में कौन सी फैमिली आ रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है भाई कौन सी फैमिली मुझे मिलने आ रही है बार बार, जिनको मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। गाइस चलो ठीक है, मैं ऑफिस के अंदर तो आ चुका हूँ, और एक सेकेंड ये आज इतना बंद सा क्यों पड़ा है, ये एक मैडम बैठी है इनसे बात करते हैं, और भाई इसका भी ना पूरा जिमी जैसा ही हाल है भाई, फोन मतलब टैबलेट छोड़ना ही नहीं, और ये कह रही है ये पार्टी ऑर्गेनाइजर वालों की ना आज सालगिरह एनिवर्सरी है, इसी खुशी में इन्होंने मतलब इनका जो स्टाफ है वो आपस में पार्टी कर रहा है, और कर लो भाई साहब मजे। और ये कह रही है कि सर आप प्लीज सॉरी सर, आप ना एक काम करो, आप जहाँ पे पार्टी चल रही है आप उन्हीं को जाके मिल लो, वहीं पे जाके मिल लो
एंड वहां पे जाके आपको सारा कुछ वो बता देंगे। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब वही हाल हो गया गाइस, वही हाल हो गया, मतलब अपने घर पे जैसा हाल रहता है ना वही हाल हो गया। मतलब जिमी कुछ नहीं करता एंड हम भाई मेहनत करते रहते हैं, वही हाल इधर है कि ये लड़की भाई कह रही है कि मुझे कुछ पता नहीं है और जो भी है वो आप घर पे वो मतलब पार्टी पे जाके पूछो। चलो ठीक है भाई, इसी खुशी में अपन पार्टी भी देख के आते हैं, वो कैसी कैसी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं पता तो चलेगा ना भाई। चल ठीक है भाई ड्राइवर फटाफट से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है यार, आज थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ रही है, पर कोई ना भाई, मेहनत का फल कहते हैं मीठा ही होता है। चलो गाइस ठीक है, अभी अपनी गाड़ी भगाते हैं फटाफट से उसी पार्टी के लिए चलते हैं जो मेज बैंक टावर के पास एक बिल्डिंग है वहां पे हो रही है। चलो गाइस ठीक है, चलो गाइस निकलते सीधा मेज बैंक टावर के लिए। गाइस ठीक है यार, मैं तो अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुंच चुका हूं मेज बैंक टावर पे, और अभी एक काम करते हैं गाड़ी को ना यहीं पे लगा देते हैं, क्यों ही भाई इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें भाई, फटाफट से ड्राइवर आ जा एंड सीधा चलते हैं भाई उनके उनसे मिलने के लिए। चलो यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, चलो इधर से चलते हैं यार। ठीक है गाइस यार, मैं भाई लिफ्ट चढ़ के ऊपर आ चुका हूं, और बाकी भाई चलो ठीक है ओके भाई। ये जो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है ये पहले पहले आप लाइन में लगो, अबे यार मैं लाइन में क्यों लगूं भाई, मैं कौन सा यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने आऊं, मैं तो भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वालों से मिलने आया हूं ताकि भाई हम जो है खतरनाक यहाँ पे पार्टी कर सके। और बाकी भाई हाँ ट्रेवर जो है ना वो नीचे ही रह गया, ट्रेवर कह रहा है कि भाई मेरा मन नहीं आने का, तुम होके आओ। भाई साहब क्या ही खतरनाक पार्टी चल रही है यहाँ पे, तो क्या ही मस्त चीजें हो रही हैं, और मुझे ऑर्गेनाइजेशन वालों को मिलना है। रुको भैया चलो ठीक है, इसको साइड करो, साइड हटो, बाकी मुझे देखना पड़ेगा भाई, बहुत शोर हो रहा है यार बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं यार, चलो कोई ना, चलो ठीक है ऐसे करते भाई, वो शायद ऑर्गेनाइजेशन वाले ऊपर ना बैठे हों। यार ये क्या हो रखा है, लड़की भाई पूरा टन्नों के गिरी पड़ी है। चलो अंदर चलते हैं भाई, अंदर जाके भी यहाँ पे कोई भी है नहीं यार, पता नहीं भाई क्या सीन है क्या नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ऑर्गेनाइजेशन वाले है तो है कहाँ भाई, उनसे पूछ रहा। अबे यार ये तो टॉयलेट है, मैं किधर आ रहा हूँ भाई। चलो छोड़ो भाई, मतलब इधर तो है नहीं भाई, एक काम करते हैं नीचे चलते हैं, नीचे ही देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले कहाँ होंगे, ताकि भाई अपने घर के लिए पार्टी। शायद हो सकता है कहीं यही बंदा तो नहीं है, ये बैठा दो भाई ऐसे ही है। गाइस सीन ये है कि जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, ये जो मतलब ये ना गाइस जो पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना लोगों के घर पे, उनकी खुद की अपनी पार्टी एनिवर्सरी है इनकी, इनके ऑफिस की एनिवर्सरी है। मतलब पता नहीं भाई क्या सीन, मुझे तो इतना पता नहीं उस लड़की ने मुझे क्या बताया था, बाकी उसी खुशी में ये सब अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई पार्टी कौन करवाएगा, शायद हो सकता है वो बंदा इधर ना हो। इधर 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 नहीं भाई, इधर तो कुछ और ही पड़ा है यार, ये कहाँ होंगे यार, इनसे बात करता हूँ ना मैं, एक काम करता हूँ इससे बात करता हूँ। ऑल राइट गाइज, मेरी जो है भाई इसी सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि वो जो सर खड़े हैं ना भाई, चलो ठीक है यार एक काम करते हैं, वेट यार वेट वेट भाई पीछे रहो। ओके ये जो सर है ना भाई, यही पार्टी वगैरह ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इनसे ना भाई फटाफट से मैं बात कर लेता हूँ सारी। ऑल राइट गाइज, मेरी जो है ना भाई इस बंदे से पूरी बात हो चुकी है, और ये बंदे ने भाई मेरा नंबर ले लिया है, और ये कह रहा है कि सर देखो आज पार्टी का दिन है, आज हमने छुट्टी ले रखी है, तो आज मैं इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, बट हाँ ये कि ये बंदा ना अभी मुझे कह रहा है कि इसने मेरा नंबर ले लिया, ये मुझे थोड़ी देर में कॉल करेगा। बाकी भाई अगर मैं इनसे पार्टी करवाता भी हूँ, देखो अभी एक चीज नोटिस करो गाइज, अभी अगर इन्होंने खुद के लिए पार्टी रखी है तो कितनी मस्त रखी है, अगर हम इनको ज्यादा पैसे देंगे भाई अपने घर पे कितनी मस्त पार्टी रखेंगे भाई, ये तो मानने वाली बात है। वैसे खाने पीने का क्या जुगाड़ कर रखा है, मैं पहले देख लूं ये बंदा पंगे ले रहा तेरी ऐसी, चल निकल बिना मतलब के ना, यहाँ पे पंगे लिए ना मैं भाई गोली गोली चला दूंगा, फिर बाद में मत बोलना भाई, बिना मतलब के पंगे लेगा तो मार भी खाएंगे। ओके यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह का पूरा ध्यान रखा गया है, मतलब गाइस ऑल ओवर यार सब बढ़िया ही है भाई, तो वो तो चलो अपने ऊपर है कि हम क्या क्या रखेंगे क्या क्या नहीं, बाकी चलो ठीक है अभी ड्रिंक्स वगैरह और खाने पीने का सब भाई पूरा बंदोबस्त है। चलो ठीक है भाई चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ एंड अभी ड्राइवर से पूछते हैं, और अभी भाई मुझे जाना शोरूम पे, और वो कौन सी फैमिली जो बार बार मेरे को मिलने आ रही है वो मुझे देख रहा है। चलो गाइस ठीक है फटाफट से निकलते हैं बाहर की तरफ। ओके गाइस मैं इस भाई बिल्डिंग से आ चुका हूँ बाहर, और ड्राइवर यहाँ पे अपना वेट कर रहा था भाई। चलते भाई ड्राइवर अभी फटाफट से चलते हैं शोरूम पे, और देख के आते हैं भाई शोरूम में ऐसा क्या सीन हो रखा है, कौन फैमिली मुझे बार बार मिलने आ रही है। और भाई मुझे मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि भाई वो जो फैमिली तुमको बार बार मिलने आ रही है ना, वो पिछले 6 दिन से आ रही है। और गाइज आप लोग को पता ही शोरूम गए हुए हमें 10 से 12 दिन हो चुके हैं, और भाई वो पार्ट पता नहीं भाई उनको फैमिली को मतलब ऐसा क्या है, वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि मैं उन फैमिली वालों को बार बार बोल रहा हूँ कि जब सर आएंगे आप तब आ जाना, बट वो पता नहीं भाई क्या ही मतलब भाई पता नहीं भाई पागल वागल लगते हैं, जो कि मतलब बिना बोले बिना कॉल करे ही आ जाते हैं। तो अभी सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि
वो आए थे, आज भी आए थे। बाकी वो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि वो आज भी आए थे, तो सर आप प्लीज उनसे एक बार मिल लो। चलो ठीक है यार, इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से अपने शोरूम में चलते हैं और शोरूम का भी हाल देख लेंगे और जो फैमिली हमें मिलने आ रही है उनका भी देखते हैं भाई उनको क्या ही चाहिए। चलो ठीक है भाई, इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से निकलते हैं माइकल के शोरूम के लिए। ओके गाइज, मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता पहुंचने वाला हूँ अपने शोरूम पे। बाकी चलो ठीक है, एक सेकंड, ये रहा अपना शोरूम। एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को इधर ही लगाए क्या, क्या करें यार। ओ भाई, ये ना हमेशा यार, मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ पे मुझे सल्यूट ही मारने लग जाते हैं यार। क्या भाई, इनको इतनी बार बोला है भाई प्लीज भाई ये देख लो, ये भी सल्यूट मार रहे हैं। इनको इतनी बार बोल रखा है भाई सल्यूट वल्यूट मत मारा करो, मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। चलो ठीक है गाइज, अपनी गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं एंड उसी सिक्योरिटी गार्ड से जाके बात करते हैं। बाकी भाई ठीक है, उनसे बात करने से पहले अपना शोरूम तो भाई पूरा चेक तो कर लें। बाकी यार ये दो गाड़ियां मैं कहाँ बेचूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो भाई आप लोग के कारण मुझे वो बंकर में से गाड़ियां मिल गई थी, बट भाई ये दो गाड़ियां पता नहीं कब बिकेंगी। बाकी ये खड़ी है एक रेंज रोवर, जो कि रेंज रोवर वेलार, जो कि बहुत मस्त है। एक ये खड़ी है लिम्बोर्गिनी यूरस। अब तो गाइस मेरे को पता नहीं कितने ऑर्डर अपनी वेबसाइट पे आए होंगे, एक बार यार अपनी वेबसाइट दोबारा से खोल के चेक तो करूं भाई वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं। एक सेकंड, ट्रांसपोर्ट एंड ये है अपनी साउथर्न सैन एंड्रियास सुपर ऑटोस। बाकी भाई अपनी वेबसाइट तो बिल्कुल सही चल रही है, बट जो ऑर्डर वॉर्डर आए होंगे ना भाई, क्या ही आए होंगे, क्योंकि भाई अपना फ़ोन ही इतने दिन से गायब था, तो फ़ोन तो आज लिया है। अभी नए ऑर्डर आएंगे तो उनको देखते हैं भाई डिलीवर विलीवर करने जाएंगे। बाकी चलो ठीक है यार, ओके। ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, ओके ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखने लगा पड़ा है भाई ड्राइवर, देख रहे हो यहाँ पे गाड़ियाँ जो हमने पोस्टर लगा रखे ना उसको देख रहा है। चल भाई ठीक है, तू उसको देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं भाई, सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं एंड इसको पूछते हैं भाई कौन फैमिली आ रही थी एंड वो फैमिली कब तक आएगी। ठीक है गाइज, यार सिक्योरिटी गार्ड ने तो भाई उस फैमिली को ना दोबारा से कॉल करना शुरू कर दिया है। बाकी ये कह रहा है कि मैं देखता हूँ सर, अभी बुलाता हूँ उनको। चलो ठीक है भाई, वो तो बुला लेगा। बाकी ये देख लो भाई, ये बंदा ना देखने में लगा पड़ा है यार। ओके गाइज, मेरी जो है ना भाई सिक्योरिटी गार्ड से बात हो चुकी है और सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि इसने अभी अभी जस्ट कॉल किया उनको, वो कह रहे हैं कि बस 10 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं, वो आस पास ही हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। बाकी चलो ठीक है, देखते हैं भाई कौन हमें यार इतना मिलने आ रहा है, कौन इतना मिस कर रहा है यार, वो समझ में नहीं आ रहा। और ये देख लो भाई, ये क्या पागलपंतियां कर रहा है, मुझे तो यार समझ में नहीं आ रहा भाई, सीन हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी चलो अब वेट तो करनी ही पड़ेगी ना भाई। चलो गाइज, यार काफी टाइम हो गया भाई वेट करते, यार सिक्योरिटी गार्ड दोबारा से फोन कर लेना भाई उनको, कितना ज्यादा वेट करवाने वाली है भाई वो फैमिली में, मतलब यार और भी तो काम है ना भाई करने वाले, और गाड़ियां वाड़ियां भी देखनी शोरूम के लिए। एक सेकंड, कहीं यही तो नहीं है भाई, एक सेकंड, आइयो सर जी बाहर। एक सेकंड, ये कौन सी फैमिली है भाई, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है भाई, मतलब सर आप कौन हो सर, आप बार बार मतलब यहाँ पे आ रहे हो। एक सेकंड यार, इनके फेस से देखने से ना ये कुछ अबे चलो यार ठीक है, किसी का वैसे मजाक नहीं उड़ाते यार। एक सेकंड यार, ऐसे कपड़े मैंने कभी लॉस सेंटर्स में किसी को पहने देखा ही नहीं है यार, मतलब एक सेकंड यार इनसे बात ही करते हैं भाई, ये कौन है, मतलब अंदर चलो सर आ जाओ, आप बार बार मुझे मिलने आ रहे हो, आ जाओ सर जी आप अंदर ही आ जाओ। बाकी आप इस बंदे को इग्नोर मारो पूरा, कोई टेंशन नहीं है, इनको ना भाई ऑफिस में लेके चलते हैं एंड इनसे ऑफिस में जाके बात करते हैं कि आखिरकार सीन क्या है भाई, ये बार बार मतलब क्यों मिलने आ रहे हैं भाई मेरे को, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलो गाइस ठीक है, ये लड़का तो आ ही रहा है। बाकी चलो ठीक है, अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से चलते हैं, इनको किधर बिठाऊं यार। एक काम करते हैं भाई, अपने ऑफिस में ही बैठते हैं सारे बंदे एंड बात करते हैं भाई इनसे बैठ के यहाँ पे। एक तो गाइस यहाँ पे कोई बंदा काम पे हमने रखा नहीं है जो इनको चाय कॉफी पिला दे बेचारों को। बाकी चलो ठीक है भाई, इन अंकल जी से एंड इन मैडम जी से बात करते हैं और जो इनके बच्चे हैं, मतलब जैसे गाइस हम मैं इनका भी ऐसा ही हाल है जैसे माइकल अमेंडा एंड जिमी एंड ट्रेसी भाई, वैसे ही ये दोनों बच्चे यहाँ पे भाई देखो कार देखी फोटो वोटो क्लिक करना शुरू हो चुका है और ये अंकल आंटी यहाँ पे बैठे हैं भाई। बेसिकली ना गाइस, अब मुझे इन अंकल ने बताया ये है इंडियन फैमिली, जो के मतलब कि लॉस सैंटोस में इंडिया से रहने आए हैं और ये आजकल के नहीं रह रहे, ये काफी पुराने रह रहे हैं अंकल जी। तभी मैंने इनको भाई देख के देखा, मैंने कहा यार ये ऐसा स्माइली फेस इंडिया में देखने को मिलता है, तभी मैंने इनको देखा और पहचान लिया। बाकी चलो ठीक है, और ये कपड़े भी भाई मैंने देखा, तभी मैंने देखा, मैंने कहा यार लॉस सैंटोस में ऐसे कपड़े वाला तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं है मैडम जी जैसे पहने हुए। बाकी चलो ठीक है, अभी उधर की बात नहीं करते, फटाफट से इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इनसे मुझसे चाहिए क्या। ऑल राइट गाइस, मेरी जो है ना भाई इन मैडम और सर से दोनों से बात हो चुकी है और अभी मैंने इनको थोड़ा बैठने के लिए बोला है और गाइस बेसिकली इन्होंने लॉस सैंटोस के सारे बेस्ट से बेस्ट शोरूम घूम लिए, बट इनको वो कार्स नहीं मिल रही जो इनको चाहिए। और अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसी कौन सी कार है जो इनको चाहिए और जो मिल ही नहीं रही कहीं पे, इनको चाहिए गाइस इंडियन
कार्स, और इनका कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, इनको चाहिए 5-5 इंडियन कार्स, एक i20, एक इन्होंने बोला ह्यूंडई i20, एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर, एक थार बोला कुछ करके इन्होंने, एक बोला था होंडा सिटी, और बाकी कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी आपके नाउन बंदे रहते हैं, जहाँ पे इंडिया इंडियन कार्स मिलती है, वहाँ पे जाके आप मुझे वीडियो कॉल कर दीजिए, जो जो भी कार्स होंगी ना, क्या पता मैं शायद ज़्यादा ही ले लूँ। और ये कह रहे हैं कि आप जितने पैसे मांगोगे हम उतने भी देने को रेडी हैं। बट गाइस देखो यार, ये इंडिया से आए हैं बेचारे, ठीक है, और ये USA लॉस सैंटोस में, भाई और मैंने कोई आज तक इंडियन फैमिली नहीं देखी, और इनके साथ ना मैं गद्दारी तो नहीं करूंगा, बट हाँ कि भाई देखो मन मेरा भी है कि भाई मैं देखो गाइस अभी सोचो मैं किसी के पास जाऊँ, मेरी $1 million की कार है, इसको लेके मैं उसको $10 million की बेच दूँ, वो मैं भाई लॉस सैंटोस के लोगों के साथ कर सकता हूँ, बट भाई इंडियन लोगों के साथ नहीं कर सकता यार। तो भाई मैं कमाना तो मैं चाहता हूँ, देखो मैं ये तो नहीं है भाई, अगर शोरूम खोला तो कमाने के लिए खोला है, और भाई अपना फर्स्ट ऑर्डर भी है गाइस, अपने इस शोरूम का पहला ऑर्डर है भाई, मैंने तो अब ध्यान दिया, और भाई मैं इनके साथ गद्दारी तो नहीं करूँगा। हाँ ये तो नहीं है कि मैं इनको ज़्यादा पैसे लेके और कम पैसों की कार्स लेके आ जाऊँ, बट इतना है कि मैं इतना कमाना तो चाहता हूँ कि हाँ भाई मेरे को लगे कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, एंड इनको कार्स भी मिल जाए, और जो आने जाने का खर्चा वो तो ये उठाने को पहले ही रेडी है। इन्होंने सर बोल दिया कि अंकल ने पहले ही बोल दिया कि वो आप टेंशन मतलब जहाँ पे भी आप जाओगे जो भी आपका खर्चा होगा वो मैं उठाने को रेडी हूँ, बट इनको वो कार्स चाहिए। गाइज अब मेरे दिमाग में भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको इंडियन कार्स कहाँ से ला के दूँ, और मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये सिमियन के पास गए होंगे पक्का, मुझे लग रहा है भाई इसमें सिमियन अपनी हेल्प कर सकता है। गाइज आप लोग को क्या लग रहा है यार, मुझे तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको मैं इंडियन कार्स कहाँ से ला के दूंगा। अब तो गाइज मुझे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी भाई वो फैमिली जा चुकी है, मतलब गाइज वो जा चुकी है भाई इंडियन फैमिली अपनी जो भी हमें मिलने आई थी। चलो ठीक है गाइज, वो तो अभी भाई अपना जाने वाले हैं, बाकी मेरे भाई दिमाग में या मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि इनको मैं कार्स कहाँ से ला के दूंगा भाई, वो भी इंडियन कार्स, इनको कहाँ से ला के दूंगा। मेरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी में, मतलब परेशानी तो नहीं बड़ी, बहुत बड़ी मैं प्रॉब्लम में आ चुका हूँ, इनको मैं कार्स कहाँ से ला के दूंगा। एंड अपने भाई अपनी पार्टी का भी कुछ करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन वाला बोला कि मैं आपको कॉल करूँगा जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी उनकी। तो भैया अब क्या ऐसा करें गाइज, आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखो मैं इंडियन फैमिली हमारे पास पहली बार आई है ऐसी फैमिली, भाई देखो भाई बेचारे 6 दिन से अपने पास आ रहे हैं, और मैं इनको भाई रुलाना, मैं मतलब इनको दुखी नहीं करना चाहता, 6 दिन से हमारी राह देख के बैठे, क्योंकि इनको हमारे पास ट्रस्ट था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम सारे शोरूम घूमाए लॉस सैंटोस के, बट हमें वो कार्स नहीं मिल रही, वो कह रहे थे कि आपका हमने देखा आप मतलब कि वेबसाइट पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी कार्स सेल कर रहे थे, तो मुझे पता नहीं अंदर से कह रहा फील हो रहा था कि आप हमें कार ला के दे सकते हो। अब गाइज मैं क्या करूं, मेरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, और भाई मैं इंडियन फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहता, भाई मैं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका हूं। अब गाइज आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके, बाकी मैंने इनको एडवांस का भी बोल दिया था, ये कह रहे थे कि जब आपका पहले पता कर लो कि आपको कार्स मिल जाएंगी, जब आपको कार्स का पता चल गया आप आना शोरूम में, मैं शोरूम में आ जाऊँगा, फिर आपको जो भी पैसे वैसे कहो वो हम कर लेंगे। अभी मेरे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी अगर गाइस आप लोग को कोई भी आइडिया है ना कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो यार गाइस करते गाइस इस वीडियो का एंड, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर कर देना, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। बाकी यार 17,000 लाइक कंप्लीट करवा देना, शेयर करा करो भाई, जितना आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे ना उतना ही जल्दी लाइक एम भी कंप्लीट होगा एंड मजा भी आएगा। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। Stable.